शुकताल तीर्थ की महिमा इन दो ही वस्तुओं से है। एक तो गंगा जी सामने दर्शन हो ही रहा है और एक ये वट वृक्ष। श्री राधेश्या, परम पूज्य श्री गोरदास जी महाराज जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्विवसंयुतं पीवत भागवतं रसमालयं मुहिरहो रसिका भुवि भावुका। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रवर्जन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतयातर्वोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानायञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीगुरु चरण कमलेभ्यो श्री गुरु प्रेमानंद श्री गुरु प्रेमानंद श्री गुरु प्रेमानंद गौर हरि गो। भजनीता गौर
हरे कृष्णा हरे राम।
प्रभु प्रसन्न मन होई। करुणा सागर कीजिए सोई। करुणा सागर कीजिए सोई। नाथ आज मैं काह न पावा। नाथ आज मैं काह न पावा। मीट दोष दुख दारिद दावा। मीट दोष दुख दारिद दावा। अब कछु नातन चाहिए मोरे। 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 दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल अब प्रभु कृपा करौवे ही भांति। अब प्रभु कृपा करौवे ही भांति। सब तजी भजन करौ दिन राति। सब तजी भजन करौ दिन राति। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन। जानत भगत भगत उर चंदन। जानत भगत भगत उर चंदन। हा रघुनंदन प्राण पीरिते। रघुनंदन प्राण पीरिते। तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। ताही भजौ मन तज कुटी लाई। 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 राम भजे गति के नहीं पाई। शरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार
वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार श्री सद्गुरुदेव की अकारण करुणा के फलस्वरूप शुक तीर्थ की पावन भूमि में बैठकर दिव्यवट वृक्ष की छाया में श्री गंगा जी और श्री नाममय हनुमान जी की पावन सन्निधि में श्रीमद् भागवत जी की पावन कथा श्रवण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आज कथा का द्वितीय दिवस है। कल श्रीमद् भागवत जी की कथा में भागवत जी के महात्म्य को हम आप सब श्रवण कर रहे थे कि भागवत जी क्यों सुनी जाएं, कैसे सुनी जाएं और किन से सुनी जाएं। इन तीन बातों का निरूपण महात्म्य में किया गया। आगे शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, आपने कहा कि जिस समय सुखदेव जी ने शुकताल में परीक्षित जी को कथा सुनाई उस समय भी आप वहां पर थे और सुखदेव जी की वंदना करते हुए आपने कहा कि वे जितनी देर गैया दुही जाती है उतनी देर एक स्थान पर रहते हैं, तो सुखदेव जी गंगा जी के किनारे 7 दिन कैसे बैठे रहे और जो बोलते ही नहीं थे वो परीक्षित जी पर कृपा करने के लिए 7 दिन कैसे बोले, ये वृतांत आप हमें सुनाइए। तब सूत जी ने सुखदेव जी के जन्म की कथा को सुनाया और कहा, हे शौनक जी, सुखदेव जी कोई सामान्य महात्मा नहीं है, तो कौन है? बोले, वो श्री राधा रानी के लाडले, उनके द्वारा लालित पालित शुक हैं। नित्य निकुंज मंदिर में जहाँ श्यामा श्याम गरवैया दे के अष्ट सखियों के द्वारा सेवित हैं, वहीं पर सुखदेव जी तमाल वृक्ष पर बैठे रहते हैं और निरंतर श्री कृष्ण के यश को गाते हैं। उनकी प्रधान सेवा क्या है? जब सवेरे श्यामा श्याम की मंगला होती है, उत्थापन होता है, तब सुखदेव जी तमाल वृक्ष की डाल पर बैठे हुए भगवान का मधुर मधुर यश गाना प्रारंभ करते हैं। और उसी पेड़ पर एक सारिका भी बैठी रहती है, मैना भी बैठी रहती है। तो जो शुक हैं, जो तोता हैं, वो श्री कृष्ण का यश गाते हैं और जो मैना है वो श्री राधा का यश गाती है। और कभी कभी उन दोनों की प्रेम कलह भी हो जाती है और उनके मुख की उस प्रेममयी चर्चा को सुनकर के ही राधा गोविंद की आंख खुलती है। ये प्रधान सेवा है ठाकुर जी को उठाने की एकदम भोर में। और बाकी समय भी श्री जी उनको बहुत स्नेह करती हैं। कभी कभी वो सुखदेव उड़ते उड़ते निकुंज मंदिर के भीतर श्री राधा रानी के हस्त कमल पर जाकर बैठ जाते हैं, तब राधा रानी उन सुखदेव के सिर पर हाथ फेरती हैं, उनको अनार के दाने पवाती हैं और राधा रानी उन सुखदेव जी को कुछ सिखाती हैं। क्या कहती हैं? श्री जी, हे शुक, कृष्ण कृष्ण बोल, शुक कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल,
शुद्ध कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, शुद्ध कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, शुद्ध कृष्ण कृष्ण बोल, मेरे कानों में अमृत घोल, शुक्र कृष्ण 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 बोल। तो राधा रानी उन सुखदेव को कृष्ण नाम लेना सिखाती हैं, और कभी वही सुख उड़ते उड़ते ठाकुर जी के भी हस्त कमल पे जाके बैठ जाते हैं, तब भगवान भी उनके सिर पर हाथ फेरते हैं, उन्हें अनार के दाने पवाते हैं और ठाकुर जी भी कुछ सिखाते हैं। क्या कहते हैं? हे शुक राधा राधा बोल, शुक राधा राधा बोल, राधा राधा बोल, शुक राधा राधा बोल, राधा राधा बोल, शुक राधा राधा, राधा राधा बोल, शुक राधा राधा बोल, ओहो मेरे कानों में अमृत घोल, मेरे कानों में अमृत घोल, राधा राधा बोल, शुक राधा राधा बोल, राधा राधा बोल, शुक राधा राधा बोल, राधा नाम प्राण से प्यारा, 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 मेरा जीवन परम सहारा, मेरा जीवन परम सहारा, नाम लिए कछु लगे न मोल, नाम लिए कछु लगे न मोल, राधा राधा बोल, शुक राधा राधा बोल, राधा राधा बोल, शुक राधा राधा बोल, श्री राधा राधा बोल, शुक राधा राधा बोल, राधा राधा बोल, शुक राधा राधा बोल। आनंद हो गया बंधुओं, तो श्री कृष्ण राधा नाम सिखाते हैं और श्री राधा श्री कृष्ण नाम सिखाती हैं। तो राधा गोविंद के बहुत लाडले प्यारे शुक हैं सुखदेव जी। एक दिन सुखदेव जी ने देखा कि श्री कृष्ण कुछ उदास हैं, तब श्री जी से पूछा, हे करुणामयी क्या बात है? भगवान का मुख तो सदा कमल की तरह खिला रहता है, आज उनके मुख पर उदासी क्यों? तब श्री जी ने कहा, सुखदेव यहाँ तो कोई दुख का कारण नहीं है, पर कभी कभी प्रभु जगत जीवों के कष्ट को देखकर दुखी हो जाते हैं। क्या बात है?
तब प्रभु ने कहा, अभी तो कलयुग प्रारंभ हुआ है, पर सारा जगत हमको भुला करके अधर्म के मार्ग पर जा रहा है, आग के निकट जाके शीतलता मांग रहे हैं, अधर्म के पथ पर चल करके सुख चाह रहे हैं, और इस कारण सारा जगत नरक की ओर अग्रसर है। तो चिंता होती है कि कैसे जगत जीवों को भगवत भक्ति का मार्ग बताया जाए। तो प्रभु, इसके लिए क्या करना होगा? भगवान कहते हैं, कोई ऐसा हमारा भक्त, हमारा परिकर संसार में अवतार ले जिसके द्वारा इस धरा धाम पर कृष्ण भक्ति की गंगा प्रवाहित हो, भगवत भक्ति की गंगा प्रवाहित हो, जिसमें स्नान करके अनेक अनेक नर नारी अपना उद्धार कर सके। तो ऐसा कौन है? तब ठाकुर जी ने कहा, सुखदेव जी, ऐसे तो आप ही हो। सुखदेव जी ने कहा, प्रभु, आप मुझको क्यों त्यागना चाहते हो? मैं तो आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। तब ठाकुर जी ने कहा, त्याग नहीं रहे, सेवा के लिए भेज रहे हैं, हमारा काम करके आओ, फिर हमारे धाम को प्राप्त कर लोगे। तो पहले तो सुखदेव जी बहुत रोए, जाना नहीं चाहते थे। भगवान ने कहा, कष्ट क्या है? बोले, प्रभु, दुनिया में जाकर के सबकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, जीव आपको भूल जाता है, माया लग जाती है। भगवान कहते हैं, तुमको नहीं लगेगी माया, तुम जाओ और तुम्हारे द्वारा जगत कल्याण का बहुत बड़ा कार्य होगा, और इसमें ही हमारी प्रसन्नता है। जब भगवान ने कहा, तुम्हारे जाने में मेरी प्रसन्नता है, तब सुखदेव जी जाने को राजी हुए। क्योंकि भजन और सेवा का लक्ष्य, जिसका भजन करते हैं, जिसकी सेवा करते हैं, उसकी प्रसन्नता है। हर कर्म को करते हुए यही सोचना है कि इसको करने से मेरे ठाकुर प्रसन्न होंगे कि अप्रसन्न होंगे। भगवान की प्रसन्नता को आगे रख के जो कर्म किया जाता है, वो बंधन का कारण नहीं होता है। तो भगवान की प्रसन्नता सुन के सुखदेव जी राजी हो गए। फिर वही राधा रानी के लालित पालित सुख इस जगत में प्रकट हुए, सुखदेव जी बनके। और कैसे प्रकट हुए, वो भी बड़ी रोचक कथा है। एक बार श्री नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे, भोले बाबा नहीं थे, पार्वती जी थी। देखा, मेरे गुरु जी आ रहे हैं। नारद जी के बहुत बड़े बड़े चेला हैं, पार्वती जी नारद जी की शिष्या हैं, स्वयं श्री कृष्ण की पटरानी सत्यभामा जी नारद जी की शिष्या, महर्षि वाल्मीकि जी नारद जी के शिष्य हैं, और तो और भागवत जी का लेखन करने वाले वेद व्यास जी नारद जी के शिष्य हैं, ध्रुव जी नारद जी के शिष्य हैं, प्रहलाद जी नारद जी के शिष्य हैं। बहुत जोरदार गुरु हैं नारद जी। और जिसको पकड़ लेते हैं, जिसके सिर पे हाथ धर देते हैं, उसको गोविंद से मिला के छोड़ते हैं, बीच में नहीं छोड़ते, चाहे कुछ करना पड़ जाए, खुद को श्राप लेना पड़ जाए तो लेना पड़ जाए, पर शिष्य का कल्याण करके छोड़ते हैं, ऐसे गुरु हैं। तो कैलाश पर पहुंचे, पार्वती जी देखे, मेरे गुरु जी आए, बहुत सम्मान किए, आसन दिया। नारद जी ने कहा, देवी ठीक तो हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु बहुत कृपा है। तो भोले बाबा स्नेह तो करते हैं आपको? बोले बहुत करते हैं। तो कोई बात छिपाते तो नहीं है? बोले छिपाते तो नहीं है। अच्छा, तो ये बताओ, कभी भोले बाबा ने ये बताया कि उनके गले में जो मुंडों की माला है, उसमें किसके मुंड लगे हैं, किसके सिर लगे हुए हैं? मैया ने कहा, कभी बताया भी नहीं, मैंने पूछा भी नहीं। नारद जी ने कहा, तो फिर काहे का प्रेम? जो बात ही न बताएं, बात छिपाएं, तो फिर काहे का प्रेम? अब नारद जी तो कृपा करके चले गए। अब पीछे जब भोले बाबा आए, तो देखा तो मैया का मुंह बना हुआ है, जल को भी नहीं पूछा। भोले बाबा ने कहा, देवी क्या बात है?
बोले सारा संसार देख लिया महाराज, कोई किसी का नहीं। बोले कैसे? बोले कोई किसी का नहीं, आप हमसे निष्कपट प्रेम नहीं करते। क्यों? बोले आप बात छिपाते हो। कैसे? बोले महाराज आज तक आपने ये नहीं बताया कि आपके गले में जो माला है उस माला में किसके सिर लगे हुए हैं। भोले बाबा ने नारद श्री पार्वती जी को कहा, देवी क्या नारद जी आए थे? पार्वती जी ने कहा, नारद जी आए थे कि नहीं आए थे, मैं आपसे कुछ पूछ रही, आप मेरे से कुछ पूछ रहे, कि आपको अब बताना होगा कि माला में किसके सिर लगे हुए हैं। तब भोले बाबा ने कहा, अच्छा सुनकर तुमको तकलीफ होगी और फिर भी सुनना चाहती हो तो सुनो। सुनो देवी मस्तक अधिकांश यामी आपके हैं। सुनो देवी मस्तक अधिकांश यामी आपके हैं। जब जब तन त्यागूं धारूं मस्तक मुंड माल में। हे देवी, इस माला में अधिकांश सिर आपके हैं। और जैसे ही सुना आपके हैं, शंकर जी ने कहा, जब जब आप शरीर छोड़ती हो इतना प्रेम करता हूं आपसे कि आपका सिर मोती की तरह माला में पिरो लेता हूं। सुनो देवी मस्तक अधिकांश यामे आपके हैं। जब जब तन त्यागो धारूं मस्तक मुंड माल में। चौक पणी गिर जा मेरे इतने शरीर छूटे, आप रहो ज्यों के त्यों मैं ही काल गाल में। चौकपणी पार्वती जी, हे प्रभु मेरे इतने बार शरीर छूट चुके कि इतनी लंबी माला बन गई, और अचंभे की बात ये जब छूटता है मेरे ही शरीर छूटता है, आपका कभी नहीं छूटता, आपने कौन सी अमर बूटी खा रखी है। तब बोले शिव शंकर, मैं अमर कथा रस पान करूं या ही ते न परूं जन्म मरण जंजाल में। मैं अमर कथा रस का पान करता हूं इसलिए मैं जन्म मरण जंजाल में नहीं पड़ता। जब अमर कथा की बात कही तो पार्वती जी और जिज्ञासु हो गई और शंकर जी से कहने लगी, बोली शिवा शिवते ऐसो है प्रभाव जो पे अमर कथा के रस को, तो ऐसो रस दिव्य प्रभु हमें भी पिवाइए। यदि इतना प्रभाव अमर कथा का तो आज तक आपने हमको क्यों नहीं सुनाई, हमको वो रस क्यों नहीं दिया। ऐसो है प्रभाव जो पे अमर कथा के रस को, ऐसो रस दिव्य प्रभु हमें भी पिवाइए। जाते बच जाऊं मैं हूं जन्म मरण ते नाथ, इह तन ते अपनी चिर संगनी बनाइए। मेरा भी बार बार शरीर न छूटे ऐसी कृपा करें। तो भोले बाबा ने कहा, क्या बोले? शिव शिवाते या के सब ही अधिकारी ना, सब इस रस के अधिकारी नहीं है। ऐसो रस प्रवाह सार्वजनिक क्यों कराइए। सब इसके अधिकारी नहीं। पार्वती जी ने कहा, अधिकारी कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं रामचरितमानस में, कथा सुनने का अधिकारी कौन? बोले राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा
कै सतसंगति अति प्यारी, जिन के सतसंगति अति प्यारी, राम कथा कलि विटप कुठारी, राम कथा कलि विटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जेहि पाना, संत चकोर करई जेहि पाना। तो कथा सुनने का अधिकारी कौन? जिनको सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संग से और संतों से प्रेम है, संतों में श्रद्धा है, आदर है, वही कथा सुनने का अधिकारी है। भोले बाबा ने पार्वती जी को ऐसा क्यों कहा? क्योंकि पूर्व जन्म में राम कथा में हम लोग सुनते हैं, सती जी के रूप में अगस्त जी की कथा सुनने गई तो कथा सुनी नहीं, विक्षेप किया। तो भोले बाबा ने पार्वती जी को कह दिया, बोले शिव शिवाते या के सब ही अधिकारी नाय, ऐसो रस प्रवाह सार्वजनिक क्यों कराइए। अब पार्वती जी ने कहा, प्रभु अब तो उस बात को बहुत दिन हो गए, मैंने अपनी भूल सुधार ली है, अब मुझ पर जरूर कृपा करें। तब पार्वती जी ने कहा, बोली शिवा शिवते व्यवस्था ऐसी आप करें, कैसी? के अन्य कोई सुने ना, मैं सुनूं आप गाइए, अन्य कोई सुने ना, मैं सुनूं आप गाइए। कुछ ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कोई और न सुने, बस मैं ही सुनूं, आप ही गाओ। भोले बाबा ने कहा ठीक है। तब बहुत दूर चलना पड़ेगा। कहाँ चलना पड़ेगा? बोले कैलाश पर्वत से बहुत दूर जाना पड़ेगा। और गौरी शंकर चल पड़े बर्फ के पहाड़ों को लांगते 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 लांगते, कहाँ पहुंच गए? कहिए अमरनाथ महादेव की जय हो। अमरनाथ की गुफा में बंधुओं, उस अमरनाथ को अमरनाथ क्यों कहते हैं? उस गुफा को अमर गुफा क्यों कहते हैं? इसीलिए कि उस गुफा में बैठ करके गौरी शंकर ने सत्संग किया है। भोले बाबा ने पार्वती जी को कथा सुनाई है। और एक बात और, अमर कथा क्या है और उसको सुनकर अमर हो जाने का रहस्य क्या है? देखिए, श्रीमद् भागवत ही अमर कथा है, श्री राम कथा ही अमर कथा है, और उसको सुन के अमर हो जाते हैं। अर्थ क्या है? इस शरीर को अमर होकर क्या मिलेगा? किसी व्यक्ति को ये कहा जाए कि तुझे 100 साल तक यही कपड़े पहनने, बदलने नहीं है, तो ये श्राप है कि कृपा है? क्या है ये? कृपा छोड़िए तो श्राप है। बढ़िया तो यही है कि कपड़ा मैला हो जाए, पुराना हो जाए, उसको बदल के नया साफ कपड़ा पहन लिया जाए। तो इस शरीर को अमर करके कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो अमर कथा सुन के अमर हो जाते हैं। अर्थ क्या है? उस अमर पद की प्राप्ति हो जाती है, जिस अमर पद को प्राप्त करने के बाद जीव को फिर इस मृत्यु लोक में आना नहीं पड़ता, किसी माँ के गर्भ के बंधन में आना नहीं पड़ता। और आना होता है तो सुखदेव जी की तरह भगवान की इच्छा से और भगवान का कोई कार्य पूरा करने के लिए आना होता। कर्म बंधन में पड़ के जीव को कभी नहीं आना पड़ता। तो अमर नाथ पे पहुंच गए और दिव्य रूप में वहां वट वृक्ष, उसी के नीचे भोले बाबा ने अपना बाघम्बर बिछाया है। पार्वती जी सन्मुख बैठी। पहले भोले बाबा ने डम 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 डमरू बजाया। एक तो वहां बर्फ के पहाड़ पे था ही कौन, और यदि कोई थे भी पंछी तो सब उड़ के चले गए, पर भोले बाबा को खबर नहीं। जिस वट वृक्ष के नीचे बाबा बैठे
उसी बट वृक्ष के ऊपर एक तोता मैना का जोड़ा रहता था। वो तो उड़ के चले गए, लेकिन मैना ने एक अंडे को प्रसव किया था। वो अंडा कैसे उड़ता, तो घोंसले में अंडा रह गया, तोता मैना उड़ गए और भोले बाबा उसी बट वृक्ष के नीचे कथा सुनाने लगे। पर पार्वती जी को कहा, देखो देवी, मैं तो प्रेम में डूब के कथा सुनाऊंगा, अब तुम सुन रही हो नहीं सुन रही हो कैसे पता चलेगा, तो तुम पीछे पीछे हुंकारी भरती रहना, ऐसे कहती रहना, तो मुझे रहेगा तुम सुन रही हो। बोले ठीक है महाराज, मैं खूब जोर हुंकारी भरूंगी। तो भोले बाबा ने कथा कहनी शुरू करी, मैया ने हुंकारी, संतों ने गाया। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, हुंकारी भरे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, हुंकारी भरे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, हुंकारी भरे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, हुंकारी भरे मैया पार्वती। नारद जी समझाए गए और गिर जाने हट ठान्यो। नारद जी समझाए गए और गिर जाने हट ठान्यो। पृष्ठभूमि में शंकर जी ने हरि इच्छा अनुमान्यो। पृष्ठभूमि में शंकर जी ने हरि इच्छा अनुमान्यो। बैठे बाघंबर पर हो, बैठे बाघंबर पर धारे मुद्रा ज्ञानी, हुंकारी भरे मैया पार्वती। बैठे बाघंबर पर धारे मुद्रा ज्ञानी, हुंकारी भरे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, हुंकारी भरे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, हुंकारी भरे मैया पार्वती। अमरनाथ के शिखर एक बट वृक्ष विशाल पुरानो। अमरनाथ के शिखर एक बट वृक्ष विशाल पुरानो। शिव विश्राम बिटप जिह कह के वेद पुराण बखानो। शिव विश्राम बिटप जिह कह के वेद पुराण बखानो। तेहितर होने लगी जय हो, तेहितर होने लगी शुभ कथा अमृत रससानी, हुंकारी भरे मैया पार्वती। तेहितर होने लगी शुभ कथा अमृत रससानी, परे मैया पार्वती। ओ कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, हुंकारी परे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, हुंकारी परे मैया पार्वती। तो भोले बाबा ने कथा कहनी प्रारंभ करी, मैया ने हुंकारी भरी, खूब प्रेम पूर्वक कथा होती रही। कथा होते होते जब दशम स्कंद आया, श्री कृष्ण की लीला आई, तो मैया को नींद नहीं आई। देखिए ये कहना अपराध है, जब हम कलयुगी प्राणियों को भी नहीं आती प्रेम पूर्वक कथा सुन लेते हैं, तो जगदम्बा पार्वती को नींद आ गई होगी, ये कहना तो गलत है। तो हुआ क्या, बोले कछुक देर तक पार्वती सुन सकी कथा निरुपाधि। कछुक देर तक पार्वती सुन सकी कथा निरुपाधि। पाए प्रसंग सुरंग उमा की लग गई भाव समाधि। पाए प्रसंग सुरंग उमा की लग गई भाव समाधि। कथा सुनते सुनते मैया की समाधि लग गई, जो सुन रही थी उसको देखने लगी, उस लीला में पहुंच गई।
पाए प्रसंग सुरंग उमा की लग गई भाव समाधि ओ पाए प्रसंग सुरंग उमा की लग गई भाव समाधि अब को भरे हुंकारी जय हो अब को भरे हुंकारी रख के सावधानी हुंकारी भरे मैया पार्वती अब को भरे हुंकारी रख के सावधानी हुंकारी भरे मैया पार्वती ओ कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी हुंकारी भरे मैया पार्वती कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी परे मैया पार्वती तो पार्वती चुप हो गई पाके परमानंद भरे हुंकारी कौन अब जाते कथा हो ये नहीं बंद इतनी देर में तरु कोटर अब पेड़ पर तो घोंसले में अंडा तरु को टर शुक शावक बैठो कड़ो फूट के अंडा उसी समय उस अंडे को फोड़ करके छोटा सा शुक शावक बाहर आ गया बोले संसार में कहते हैं कि पंछी अंडा दे देती है फिर अंडा पकता कैसे है तो संसार में कहा जाता है पंछी अपने शरीर की गरमाई देती है उससे अंडा पकता है अलग अलग तरीके हैं कच्छपी जो होती है वो रेत के भीतर स्थल पर अंडा दे देती है और फिर बाहर आ आ करके उसको देखती है अंडे को उसकी दृष्टि से अंडा पकता है कुर्री पक्षी होता है वो स्थल पर अंडा दे देती है और फिर उस अंडे के ऊपर घूमती रहती है उसकी परिक्रमा से और बोलती रहती है उससे अंडा पकता है हर जीव के अंडा पकने की प्रक्रिया अलग अलग है प्राय जो पंछी होते हैं वो अपने शरीर की गरमाई से अंडे को पकाते हैं पर यहाँ तो माता पिता दोनों चले गए अंडा कैसे पका बोले सामान्य अंडा नहीं ना इसके भीतर तो साक्षात सुखदेव जी बैठे हैं तो कहाँ से ताप मिला बोले भोले बाबा कथा सुनाते सुनाते जब रोने लगते भगवान के विरह में तो उनकी उन गरम गरम श्वासों के ताप से वो अंडा पक गया तो तरु को टर शुक शावक बैठो कड़ो फूट के अंडा और अमर कथा रस पिए प्राप्त भई अद्भुत शक्ति प्रचंडा अमर कथा रस पिए प्राप्त भई अद्भुत शक्ति प्रचंडा आधी कथा तो अंडे के भीतर सुन ली दशम स्कंद तक की और जैसे ही मैया मौन हुई उसी समय सुखदेव जी बाहर आ गए अब क्या करने लगे लाग्यो भरन हुकारी लाग्यो भरन हुकारी ज्यो की ज्यो सुखदानी हुकारी परे मैया पार्वती लाग्यो भरन हुकारी ज्यो की ज्यो सुखदानी हुकारी परे मैया पार्वती कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी हुंकारी भरे मैया पार्वती कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी हुंकारी भरे मैया पार्वती अंडा बाहर आ गया महाराज और हुंकारी भरने लगे और तोता तो बहुत सुंदर बोलता है हुंकारी भरने लगे भोले बाबा को खबर नहीं अब भोले बाबा ने पूरी कथा सुना दी और जब कथा विश्राम हो गई तब भोले बाबा ने जय जयकार करी कहिए लाडली लाल की जय हो सियावर राम चंद्र भगवान की प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम जैसे जोर जोर जय जयकार करी उसी समय मैया पार्वती की समाधि भंग हुई और भोले बाबा को कहा भाव समाधि खुलते माता गिरजा शिव से बोली भाव
भाव समाधि खुलते माता गिरजा शिव से बोली। क्या बोली? क्षमा करें प्रभु मैं कुछ क्षण तक कथा से वंचित होली। क्षमा करें प्रभु मैं कुछ क्षण तक कथा से वंचित होली। शिव जी चौंक कहें को शिव जी चौंक कहें को भरे हुकारी प्राणी भरे मैया पार्वती। शिव जी चौक कहे को भरे हुकारी प्राणी हुकारी भरे मैया पार्वती। मैया ने कहा प्रभु क्षमा कर दियो कुछ देर तक मैं कथा से वंचित हो गई है, जय जयकार कैसे हो रही है? भोले बाबा ने कहा जय जयकार कथा तो विश्राम। बोले अभी कैसे विश्राम हो गई? आप तो सुना रहे थे कि एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, तो रास में जाने की तैयारी, मैं भी पीछे पीछे रास में, तो तुम कहां थी? बोले मैं तो अभी रासलीला में अटकी थी। भोले बाबा ने कहा तो रासलीला भी हो गई, ब्याह लीला भी हो गई, ग्यारहवां स्कंद भी हो गया, बारहवां भी हो गया, अब तो भंडारे की तैयारी है, तो मैं अटकी होगी। मैया ने कहा महाराज मैं तो समाधि में चली गई, अब मैं तो भूल गई। शंकर जी ने कहा यदि तुम नहीं सुन रही थी तो सुन कौन रहा था? प्रेम विवश तुम नहीं सुनी अब भाई समाधि में मौन, तो डट के इतनी देर तक भरे हुकारी कौन? कौन हुकारी भर रहा था? मेरे तुम्हारे मध्य में जब मौन हो गई तू तो और चोर को सुन रहो, इतने में तोता बोलो हूं। सुखदेव जी ने सोचा ये भी कथा ही हो रही है, अबे तो चर्चा कर रहे। सुखदेव जी ने फिर हुंकारी भर दी और जैसे हुंकारी भरी ऊपर दृष्टि गई वृक्ष पर तोता एक निहार। अब भोले बाबा तो भोले बाबा, दंडित करन हेतु शिव दौड़े झट त्रिशूल कर धार्यो। दंडित करन हेतु शिव दौड़े झट त्रिशूल कर धार्यो। भोले बाबा ने देखा रे चोर तो वहां बैठा हुआ है, तुरंत उठा लिए त्रिशूल मारने को दौड़े। आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे भोले बाबा। भोले बाबा कह रहे जावे बच के मोते, जावे बच के मोते कहां जीव अभिमानी हुंकारी भरे मैया पार्वती। जावे बच के मोते कहां जीव अभिमानी हुंकारी भरे मैया पार्वती। ओ कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी भरे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी हुंकारी भरे मैया पार्वती। अब सुखदेव जी आगे आगे भोले बाबा त्रिशूल लेके पीछे पीछे, और उड़ते 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 सुखदेव जी कहाँ आ गए? देखो अमरनाथ से उड़ते उड़ते पहुंच गए बद्रीनाथ, ऊपर पर्वत ही पर्वत। और बद्रीनाथ जी में कौन? बोले बद्रीनाथ जी में वेद व्यास जी का स्थान है, आज भी वेद व्यास गुहा है जहां बैठकर महाभारत की रचना की, सब पुराणों की रचना की। सवेरे सवेरे का समय श्री वेद व्यास जी की धर्म पत्नी बिटका देवी स्नान करके अपने केश सुखा रही थी। केश सुखाते सुखाते उनको जुम्हाई आई और उन्होंने जो बड़ा सा मुख खोला तो इतनी देर में क्या हुआ? भागत भागत वेद व्यास के आश्रम तोता आयो। भागत भागत वेद व्यास के आश्रम तोता आयो। और व्यास पत्नी के मुख मारग गर्भाशय माए समायो। व्यास पत्नी के मुख मारग गर्भाशय माहि समायो। पीछे व्यास कुटी पर जय हो, पीछे व्यास कुटी पर शंकर पहुँचे आनी हुंकारी भरे मैया पार्वती। पीछे व्यास कुटी पर शंकर पहुँचे आनी हुंकारी भरे मैया पार्वती।
कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी ओंकारी भरे मैया पार्वती कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी ओंकारी भरे मैया पार्वती। अरे महाराज भोले बाबा पीछे पीछे व्यास कुटी पर पहुंच गए। वेद व्यास जी बैठे थे और उन्होंने देखा कोई जीव उड़ते हुए आया उनकी पत्नी के मुख में और मुख से व्यास पत्नी के पेट में जाके बैठ गया। पीछे पीछे भोले बाबा वेद व्यास जी ने देखा अरे शंकर भगवान आए सोई दरवाजे पर आरती लेकर के भागे प्रणाम करने को पर भोले बाबा तो बहुत गुस्से में। वेद व्यास जी को कहा वेद व्यास आतिथ्य तुम्हारो अवही ना स्वीकारूं वेद व्यास आतिथ्य तुम्हारो अब ही ना स्वीकारूं तो क्या करोगे। बोले चोर घुसा मेरा घर में तेरे पहले बा को मारूं चोर घुसा मेरा घर में तेरे पहले बा को मारूं। बोले अपराध क्या हुआ। बोले याने चोरी चोरी याने चोरी चोरी कथा सुनी मन मानी परे मैया पार्वती याने चोरी चोरी कथा सुनी मन मानी पारी हरे मैया पार्वती कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी परे मैया पार्वती कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी बारी परे मैया पार्वती। अरे इसने चोरी चोरी व्यास पीठ से ऊंचा होकर के कथा सुनी। अब सुखदेव जी की अपनी व्यवस्था थी बाकी नियम यह है कि ग्रंथ से ऊपर तो किसी को नहीं बैठना चाहिए। अब गुरु जी तो नीचे बैठे और चेला सिर पे बैठा पेड़ के ऊपर और इसी बात पे भोले बाबा बिगड़ गए मैं तो मारूंगा। वेद व्यास जी ने कहा ठीक है आप मारो मैं रोकूंगा नहीं इस ब्राह्मणी के पेट में चला गया है सुख और ब्राह्मणी को भी मार दो फिर वो भी मर जाएगा पर जो दुनिया आपको भोला बाबा कहती है गलत नहीं कहती ठीक ही कहती है। बोले कैसे। बोले आप बताओ प्रभु आप कहते हो कि अमर कथा सुन के प्राणी अमर हो जाता है तो यदि इसने सुन ली अमर कथा तो इसको मारोगे कैसे। दूसरे आप कहते हो कि अनधिकारी सुन नहीं सकता तो यदि अनधिकारी होता तो सुनता कैसे। अंतर्मुख है भोले बाबा लीजे तनिक विचारी क्या विचारिये कैसे सुनता तोता जो पे होता ना अधिकारी कैसे सुनता तोता जो पे होता ना अधिकारी घर के ध्यान लीजिए घर के ध्यान लीजिए भली भांत पहचानी ओंकारी भरे मैया पार्वती घर के ध्यान लीजिए भली भांत पहचानी ओंकारी भरे मैया पार्वती। आप नेत्र बंद करके देख लीजिए ये कौन है। भोले बाबा ने कहा भाई बात तो काम की बता रहे हैं तो गुस्सा पीछे करेंगे पहले देखें ये है कौन जो उतने बर्फ के पहाड़ पर जीवित रह गया और अभी तक मेरे त्रिशूल से बचा हुआ है। कोई मुझसे भी तेज भाग सकता है क्या। तो जरूर कोई कृपा इसकी रक्षा कर रही है जो मुझसे भी प्रबल है कोई ऐसा इसकी रक्षा कर रहा है मैं अभी तक तो जल के भस्म हो जाता। तब अंतर्मुख है भोले बाबा ध्यान भली विधि लाए नेत्र बंद करके भोले बाबा ने ध्यान किया तो क्या देखा। गोलोक धाम को लीला शुक प्रभु भूतल माए पठाए गोलोक धाम को लीला शुक प्रभु भूतल माए पठाए भोले बाबा ने नेत्र बंद करके देखा देखो ये पिछले जन्म में कौन। तो भोले बाबा को तो नित्य निकुंज दिखाई देने लग गया गोलोक दिखाई देने लग गया
श्यामा श्याम दिखाई देने लग गए अष्ट सखियां। और वो सुखदेव और सारी बात सुन ली कैसे ठाकुर जी सुखदेव जी को धरा पर जन्म लेने की कह रहे हैं। अरे तब तो भोले बाबा को बहुत ग्लानी हुई, दे तो मार इसे तो, दे तो मार इसे तो है जाती बड़ हानि ओंकारी भरे मैया पार्वती। दे तो मार इसे तो है जाती बड़ हानि ओंकारी भरे मैया पार्वती। अरे इसको मार देता तो बहुत नुकसान हो जाता। और अब गुस्सा एकदम ठंडा हो गया और जो भोले बाबा मारने आए थे वो आशीर्वाद देख के गए। अरे सुखदेव हमारा आशीर्वाद जो तुमने सुना वो तुमको सदा सदा याद रहे, सब कुछ कंठस्थ रहे, भूलो ना, सारा ज्ञान तुम्हारे हृदय में सदा प्रकाशित रहे। तो वेद व्यास आतिथ्य पाए के, अब वेद व्यास जी ने जो आतिथ्य किया सेवा पूजा की वो भी स्वीकार कर ली। वेद व्यास आतिथ्य पाए के शिव पहुँचे कैलासा, वेद व्यास आतिथ्य पाए के शिव पहुँचे कैलासा। लगी तभी से व्यास देव को पुत्र प्राप्त की आशा, लगी तभी से व्यास देव को पुत्र प्राप्त की आशा। शिव और वेद व्यास की जय हो, शिव और वेद व्यास की मन की मिटी गलानी ओंकारी भरे मैया पार्वती। शिव और वेद व्यास की मन की मिटी गलानी भरे मैया पार्वती। ओ कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी ओंकारी भरे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी हरे मैया पार्वती। आनंद हो गया भोले बाबा जो प्रणाम करके आशीर्वाद देके चले गए। अब उस समय से वेद व्यास जी को पुत्र प्राप्ति की आशा लग गई। उनके घर कोई पुत्र नहीं था, मन में विचार करते पुत्र किसको कहते हैं, जिसको पत्नी जन्म दे, तो मेरी पत्नी के गर्भ में है तो ये मेरे पुत्र हो गए। अब बाट देख रहे थे कब जन्म होगा, पर सुखदेव जी तो मैया के पेट में ऐसे बैठे कि बाहर आने का नाम नहीं ले। 2 महीना 4 महीना 6 महीना 10 महीना साल 2 साल 5 साल 10 साल बीत गए आए नहीं बाहर। वेद व्यास जी कहें पुत्र बाहर आओ, सुखदेव जी कहें नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे, बोले बाहर आने पर माया लग जाती है, जीव भगवान को भूल जाता है। पिताजी मैं नहीं आऊंगा। कब तक नहीं आओगे, कभी भी नहीं आऊंगा। मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, गर्भ में रह के हरी यही रहूंगा, मैं गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। चाहे सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, चाहे सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, चाहे नरकों के सम यातनाएं सहूं, चाहे सब यातनाए सहूं, मैं तो यहीं रह के हरि को रिझाऊंगा, मैं तो यहीं रह के हरि को रिझाऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। ओहो गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा, कर दिया महाराज। मैया के गर्भ में रहते रहते 12 बरस बीत गए। वेद व्यास जी कोई श्लोक बोलते, मैया के पेट में से सुखदेव जी भी दोहराते श्लोकों को। वेद व्यास जी कहते बेटा माँ के पेट में ही सबरे पुराण पढ़ते रहोगे कि बाहर भी आओगे।
सुखदेव जी कहे पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। एक दिन फिर नारद जी आए, देखे वेद व्यास जी फिर उदास, क्या बात बताया? बोले महाराज कोई दिव्य जीव आए हैं बिटका देवी के गर्भ में, पर जन्म ही नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? कहते जन्म लूंगा तो माया लग जाएगी, भूल जाऊंगा भगवान को, आप कहिए। नारद जी ने कहा बेटा आ जाओ, माया नहीं लगेगी। सुखदेव जी ने कहा आपकी तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। बोले कैसे? बोले एक बार आपको भी माया लग चुकी है, मोहिनी के चक्कर में आप बहुत बुरे पड़े थे, मैं आपकी नहीं मानूंगा। तो किसकी मानोगे? बोले यदि मायापति आके कह दें कि माया नहीं लगेगी तब आ जाऊंगा। तो मायापति भी दुर्लभ नहीं थे। नारद जी ने याद किया और द्वारिकाधीश भगवान प्रकट हो गए और सुखदेव जी को कहा कि आपको माया नहीं लगेगी, आप बाहर आ जाओ। जब भगवान ने ऐसा कहा तब श्री सुखदेव जी कौन दिन प्रकट हुए? वैशाख कृष्ण अमावस्या को प्रकट। वैशाख की अमावस्या को सुखदेव जी का जन्मोत्सव होता है। श्री सुखदेव जी उस दिन प्रकट भए। कितने दिन रह के? 12 वर्ष गर्भ में रही, आश्वासन प्रभु से पाए। 12 वर्ष गर्भ में रही, आश्वासन प्रभु से पाए। तुम्हें न व्यापे माया कबहू सुन के बाहर आए। तुम्हें न व्यापे माया कबहू सुन के बाहर आए। है गए जात कर्म ते, है गए जात कर्म ते, पहले वन प्रस्थानी ओंकारी भरे मैया पार्वती। है गए जात कर्म ते, पहले वन प्रस्थानी ओंकारी भरे मैया पार्वती। आहा परंपरा ते शुक चरित्र यह श्री गुरुदेव सुनाए। परंपरा ते यह चरित्र यह श्री गुरुदेव सुनाए। परंपरा ते शुक चरित्र यह श्री गुरुदेव सुनाए। परंपरा ते शुक चरित्र यह श्री गुरुदेव सुनाए। जगन्नाथ प्रभु के प्रसाद नारायण दासं पाए। जगन्नाथ प्रभु के प्रसाद नारायण दासं पाए। गावत समय समय पर जय हो, गावत समय समय पर सुफल करन हित बानी तारी बरे मैया पार्वती। गावत समय समय पर सुफल करन हित बानी मैया। आनंद हो गया महाराज। श्री सुखदेव जी प्रकट भये, देवताओं ने फूल बरसाए, जय जयकार करी। कहिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय हो। श्री बिटका देवी की जय हो। सुखदेव जी प्रकट भये, देवताओं ने बधाई कही। घन घन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे। धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे। ओहो धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे। धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे। श्री के पाले लालित शुक, श्री के पालित लालित शुक, श्री जी के पालित लालित शुक, श्री के पालित लालित शुक, श्री जी की आज्ञा को धारे आज सुखदेव पधारे। श्री जी की आज्ञा को धारे आज सुखदेव पधारे। हमारे आज सुखदेव पधारे। धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे। कुंज भवन में करत कीर्तन, कुंज भवन में करत कीर्तन। ओहो कुंज भवन में
में करत कीर्तन, गुंज भवन में करत कीर्तन, कृष्ण ही कृष्ण उचारे आज देव पधारे, कृष्ण ही कृष्ण उचारे आज देव पधारे, ओहो धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे, भाग हमारे आज सुखदेव पधारे, जग जीवों पर करुणा करने, जग जीवों पर करुणा करने, कृष्ण कथा प्रीति सो भरने, कथा प्रीति सो भरने, मोहन की आज्ञा को धारे आज सुखदेव पधारे, मोहन की आज्ञा को धारे आज सुखदेव पधारे, ओहो धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे, धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे, ओहो वेद व्यास जी को देवो बधाई, 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 जिनके बन गए बारे आज सुखदेव पधारे, जिनके मनुष्य में बारे आज सुखदेव पधारे, धन धन हमारे आज सुखदेव पधारे, धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे, सुख तीरथ में बाजी बधाई, तीरथ में बाजी बधाई, श्री सुख ताल में बाजी बधाई, सुख ताल में बाजी बधाई, गंगा जी के किनारे आज सुखदेव पधारे, गंगा जी के किनारे आज सुखदेव पधारे, ओ धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे, धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे, ओहो श्री सुखदेव रसिक मन रंजन, सुखदेव रसिक मन रंजन, वेद व्यास नंदन जग वंदन, वेद व्यास नंदन जग वंदन, गौरदास बलिहारे आज सुखदेव पधारे, गौरदास आगे हमारे आज सुखदेव पधारे, धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे, धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे, श्री गौरदास बलिहारे आज सुखदेव पधारे, गौरदास बलिहारे आज सुखदेव पधारे, धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे, धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे, आनंद हो गया। दिव्य रूप में श्री सुखदेव जी का जन्मोत्सव मनाया गया, लेकिन सुखदेव जी प्रकट होने के बाद रुके नहीं घर पे। उसी समय माया तो लगी नहीं थी तो रुकते कैसे, उसी समय 12 वर्ष की गर्भ का वास करके प्रकट हुए, और उस समय उनका शरीर 12 वर्ष के बालक के जैसा था, और अपनी आयु को 4 वर्ष और बढ़ाया सुखदेव जी ने, 16 वर्ष के हो गए, और सुखदेव जी निरंतर 16 ही वर्ष के रहते हैं, इससे बड़े नहीं होते। 16 वर्ष की अवस्था बनाई, और उसी समय सुखदेव जी घर छोड़कर चल पड़े। माता पिता पीछे पीछे रोकते हुए जा रहे हैं, पर सुखदेव जी नहीं रुके, चलते जा रहे, पीछे पीछे वेद व्यास जी जा रहे हैं, पर सुखदेव जी ऐसे आत्मा राम हैं कि चलते चलते जिस वृक्ष लता को छू देते हैं, उस वृक्ष लता के भीतर आत्मभाव प्रकट हो जाता है, और वो लता पता बोलने लग जाती हैं। श्री वेद व्यास जी
शुक 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 कहते हुए पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। सुखदेव जी ने तो उत्तर नहीं दिया। सुखदेव जी की ओर से लता पता ने उत्तर देना प्रारंभ किया। श्री वेद व्यास जी को सब वृक्ष कहने लगे, शुको हम शुको हम शुको हम। वेद व्यास जी ने कहा, मेरा पुत्र जा रहा है मेरे घर में अंधेरा करके। वृक्षों ने कहा, हे वेद व्यास जी, थोड़ी देर के लिए आपके घर में भले अंधकार हो रहा हो, पर इनके जाने से बहुतों के घर में उजाला होगा और बहुतों के घट में उजाला होगा, जाने दीजिए इनको। पर वेद व्यास जी नहीं माने और चलते रहे। मार्ग में एक सरोवर पड़ा, उस सरोवर में कुछ देव स्त्री नहा रही थी। सुखदेव जी को देख करके तो उन्होंने वस्त्र नहीं पहरे, पीछे जब वेद व्यास जी निकले तो उन स्त्रियों ने वस्त्र पहरे। तब वेद व्यास जी ने उन देवांगनाओं को कहा कि मेरा युवा पुत्र 16 वर्ष का गया तो संकोच नहीं हुआ, और मैं इतना वृद्ध, मुझे देख के संकोच हुआ क्यों? उन देव स्त्रियों ने कहा, महाराज आप हंस हो। हंस किसको कहते हैं? जिसको नीर शीर का विवेक हो। हंस ऐसा पक्षी होता है कि उसके सामने 1 किलो दूध में आप 1/2 किलो पानी मिला के रख दीजिए, वो 1 किलो दूध पी जाएगा, 1/2 किलो पानी छोड़ देगा। इसलिए बुद्धि के लिए हंस की उपमा दी जाती है। और माँ सरस्वती का वाहन कौन है? हंस। हंस वाहिनी है वो बुद्धिदात्री। तो आप हंस हो, आपको पता है ये दूध है ये पानी है, मेरा पुत्र कौन है? बोले, आपका पुत्र तो परम हंस है, जिसे ये भी पता नहीं कि ये दूध ये पानी, माने उसको ये दुनिया में कोई नहीं दिखा, ये स्त्री है ये पुरुष है, उसको सारा जगत ब्रह्ममय दिखाई देता है, तो उससे कैसा संकोच? हमने वस्त्र नहीं पहने। तब वेद व्यास जी लौट आए, किसी ने पूछा, पुत्र मोह में आप इतनी दूर चले गए? वेद व्यास जी ने कहा, पुत्र मोह के कारण नहीं। तो क्यों? बोले, मेरे द्वारा जो भागवत जी प्रकट हुई हैं, मैं विचार करता था इस भागवत रूपी धन को कौन स्वीकार करेगा, कौन रखेगा इस धन को, इसको धारण करने के लिए पात्र चाहिए। सुखदेव में मुझे वो पात्रता दिखी थी, लेकिन वो नहीं आए। मैं उनको बुलाने के लिए इसीलिए पीछे पीछे गया, वो भागवत रूपी धन को स्वीकार करें, पुत्र मोह के लिए नहीं गया। लौट आए, लेकिन फिर भी वेद व्यास जी ने हार नहीं मानी। दूसरा तरीका अपनाया, अपने को शिष्यों को बुलाया और उनको भागवत जी का एक श्लोक याद कराया। वो कौन सा श्लोक था? वो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय वेणु गीत का श्लोक था, जिसमें ठाकुर जी की बंसी का वर्णन है और भगवान बलराम जी के साथ गैया चरा के वृंदावन लौट रहे हैं, इस झांकी का वर्णन है। ये श्लोक याद कराया और कहा, जहां सुखदेव रहते हैं वहीं श्लोक को गाना। ये शिष्य लोग गए और सुखदेव जी के आसपास इस श्लोक को गाना प्रारंभ किया। बरहा पीलम नट बर बपु, 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 करण यो करनी कारम, विव्रद वास कनक कपिशं, विव्रद वास कनक कपिशं, वैजयन्तीं च माला, वैजयन्तीं च माला, रन्ध्रान बेनो धरसुधया,
वृंदारण्य स्वपद रमण वृंदारण्य स्वपद रमण वृंदारण्य स्वपद रमण प्राविशद गीत कीर्ति प्राविशद गीत कीर्ति जिसमें ठाकुर जी के गोचारण से लौटने की झांकी का वर्णन है। भगवान ने सिर पर मयूर पंख का मुकुट धारण किया है, सुंदर पीतांबर, गले में बनमाल, हस्त कमल में बंसी, एक हाथ में बंशी, एक हाथ दाऊ जी के कांधे पर रखा हुआ है। और भगवान गैया चरा के लौट रहे हैं, आगे आगे असंख्य बछड़ा भाग रहे हैं, पीछे पीछे गैयाओं का समूह, लाखों करोड़ों गाय सींग ही सींग दिख रहे हैं। गैया मैया के चरणों से उड़ के ब्रज रज भगवान के मस्तक पर लग रही है। भगवान को घेर के सब सखा चल रहे हैं। कभी कोई बछड़ा आके भगवान के चरणों को चाटने लगता है, भगवान उस बछड़े को गोद में उठा लेते हैं। कभी कोई गैया आ जाती है, कभी भगवान गैया की पीठ सहला रहे, कभी बछड़ों को प्रेम कर रहे हैं। आगे आगे बछड़ा भाग रहे, भगवान को घेर के सखा लोग चल रहे, और श्री ठाकुर जी दाऊ जी के कंधे पर गरबैया देते हुए धीरे 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 श्री वृंदावन में प्रवेश कर रहे। आहा, इस झांकी का वर्णन सुनकर के सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, कुटिया से बाहर आ गए। उन ऋषि बालकों से कहने लगे, एक बार और सुनाओ, एक बार और सुना दो, एक बार और सुना दो। कई बार श्लोक सुनाया, पूछा कुछ नहीं, बाकी श्लोक कई बार सुना। लौट आए, वेद व्यास जी ने पूछा क्या हुआ, बोले श्लोक से तो बड़े प्रसन्न हुए, बड़े राजी हुए, बार बार सुना, पूछा कुछ नहीं। तब वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, अब फिर एक नया श्लोक। ये कौन श्लोक था? ये पूतना उद्धार का श्लोक था, जिसमें भगवान की दयालुता का वर्णन किया गया है। बोले पहले श्लोक को सुन के क्यों नहीं आए? बोले पहले श्लोक में रूप माधुरी का वर्णन है। सुखदेव जी जानना चाहते हैं, जिसका ग्रंथ लिखा गया है वो सुंदर तो बहुत है, ये तो पता चल गया, पर जाएंगे तब जब ये पता चल जाए दयालु भी है। क्योंकि केवल रूप से काम नहीं चलेगा, दया से काम चलेगा। तो अब वेद व्यास जी ने दूसरा श्लोक याद करा दिया, ये कौन था? अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिंघाशया पाय यदप्य साधवी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजे। अहो बकीयम, अहो, उन श्री कृष्ण से अधिक दयालु कौन होगा जिन्होंने बकी, बकी नाम है पूतना का, बकासुर की बहन बकी, जिन्होंने उस बकी को जो मारने के भाव से भगवान को जहर पिलाने आई, धातृचिताम ततुन्यम, उसको धाय का पद प्रदान कर दिया, मार कर भी उसका उद्धार कर दिया, उन भगवान से ज्यादा दयालु कौन? जो अपने मारने वाले का भी कल्याण करते हैं तो भजन करने वाले का क्यों नहीं करेंगे? तो उनसे दयालु कौन? जब ये श्लोक सुना सुखदेव जी ने, बाहर आ गए, भैया एक बार और सुना, एक बार और सुना दो। और ये तो बताओ, ये इतने प्यारे प्यारे श्लोक लाते कहां से हो तुम? अब उन्होंने कहा, महाराज ये हमारे गुरुदेव की रचना है, और ऐसे एक दो श्लोक नहीं, ऐसे 18,000 श्लोकों की रचना हमारे गुरुदेव ने करी है। तो आपके गुरुदेव हैं कौन? बोले हमारे गुरुदेव हैं अनंत श्री संपन्न श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज।
सुनकर सुखदेव जी बड़े आनंदित हो गए। अरे वेद व्यास जी आपके गुरुदेव हैं, वे तो मेरे पिता हैं, और पिता की संपत्ति पे तो पुत्र का अधिकार होता है। ले चलो मुझे कहाँ है आपके गुरुदेव, अब उन्हीं के चरणों में बैठ करके भागवत जी का अध्ययन करेंगे। तो जो सुखदेव जी आ गए थे एक दिन छोड़ के, वो वापिस उन बालकों के साथ वेद व्यास जी के स्थान पर आ गए। वेद व्यास जी को प्रणाम किया, वेद व्यास जी ने हृदय से लगाया और उनके चरणों में बैठ करके आद्योपांत श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन किया। श्री सुखदेव जी को भागवत जी अपने पिता और अपने गुरु दोनों वेद व्यास जी हैं उनसे प्राप्त हुई। श्री शौनक जी बड़े प्रसन्न हुए। शौनक जी ने प्रश्न किया था कि सुखदेव जी को भागवत जी कैसे प्राप्त हुई, और अब ये बताइए कि उनका परीक्षित जी से मिलना कैसे हुआ और उन्होंने कैसे उनको श्रीमद् भागवत जी सुनाई। तब सूत जी ने कहा, देखो शौनक जी, जिस समय महाभारत का युद्ध हो चुका था, वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे, जिस समय युद्ध हो चुका था और दुर्योधन अपना अंतिम समय गिन रहा था, दुर्योधन को वर था तेरी मृत्यु कैसे होगी जब एक साथ शोक का और हर्ष का समाचार प्राप्त होगा। उसने ऐसा वर मांग लिया था ऋषियों से, उसको पता था या तो आदमी खुश होगा या दुख होगा, एक साथ तो दोनों चीज नहीं हो सकती। ऐसा वर मांगा था तो जंगा तो टूट चुकी थी लेकिन प्राण नहीं निकल रहे थे। कौरवों की सेना में सब मारे गए, बस तीन लोग बचे थे, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, बाकी सब मारे गए थे। ये एक दिन रात को आए, देखा दुर्योधन रो रहा है। अश्वत्थामा ने कहा, क्या बात है? बोले, देखो अश्वत्थामा, मेरे सब भाई मारे गए, सब साथी मारे गए, इन पांडवों का मैं कुछ नहीं बिगाड़ पाया, जबकि इन पांडवों की सेना तो मेरे आगे बहुत थोड़ी थी, मेरे पास बहुत योद्धा थे, बहुत बड़ी सेना थी, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? अश्वत्थामा ने कहा, ऐसा इसलिए हुआ, तुमने जो जो सेनापति बनाए वो सब मानसिक रूप से पांडवों के साथ थे। भीष्म पितामह पांडवों के हित चाहते थे, मेरे पिता द्रोणाचार्य पांडवों के हित चाहते थे, सब लोग पांडवों का हित चाहते थे। मुझे यदि सेनापति बनाया होता तो तुम देखते मैं क्या से क्या कर देता, अब क्या हो सकता है? बोले, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, तुम मुझे सेनापति बना दो। दुर्योधन ने कहा, सेना ही नहीं तो सेनापति काहे का बनाऊं तुम्हें? बोले, मैं अकेला ही बहुत हूं, तुम मेरा तिलक कर दो। तब दुर्योधन ने अपना अंगूठा काट के उस रक्त से तिलक कर दिया। अब जब पापी का तिलक ब्राह्मण के माथे पे आ जाएगा तो उसकी बुद्धि बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी? जबकि अश्वत्थामा कोई इतने क्रूर नहीं है, लेकिन दुर्योधन का संग, दुर्योधन से मित्रता, वो कुसंग उनको ले बैठा, जो आज तक वो दुख पा रहे हैं। सांप का संग कर ले पर दुष्ट का संग नहीं करे। सांप डसने से छोड़ सकता है पर दुष्ट लोग अपना प्रभाव छोड़ने से बाज नहीं आते। दुर्योधन का संग किया, दुर्योधन का रक्त माथे पे लग गया, बच्चे विचार तो आएंगे नहीं। अश्वत्थामा चल पड़े, सोचे क्या करूं। रात का समय इन्हें एक उल्लू दिखाई दिया। वो उल्लू रात को सोते हुए चिड़िया के बच्चों को मार के खा रहा था। अश्वत्थामा ने उल्लू को ही गुरु बना लिया, इन्हें उल्लू ही मिले गुरु बनाने को। ये जान गए कि पांडवों को कैसे मारूंगा, उनको जागृत अवस्था में तो नहीं मारा जा सकता, सोते हुए मार दूं। तलवार लेकर चले और छिपते छिपते पांडवों के शिविर में। पर उस दिन तो भगवान पांडवों को लेकर वेद व्यास जी के आश्रम चले गए थे। क्यों? भगवान ने पांडवों को कहा, देखो जिस दिन विजय हो, शास्त्र में लिखा है राजा को किसी संत स्थान पर रहना चाहिए ताकि जीत का अभिमान न हो जाए। तो भगवान
तो पांडवों को लेकर उस दिन पांडव थे ही नहीं अपने शिविर में, वो तो वेदव्यास जी के आश्रम पे थे। संयोग से द्रौपदी के पांच पुत्र जो पांच पांडवों से थे वो उस शिविर में पांडवों के आसन पे आके लेट गए। रात को अश्वत्थामा आए, सोते पुत्रों को देख करके समझा ये पांडव हैं, और पांचों पुत्रों का सोते हुए सिर काट दिया। उन सिरों को ले चले बहुत प्रसन्न होके। दुर्योधन को दूर से ही जीत गया मैं, जीत गया, हारी बाजी जीत गया। क्या हुआ? बोले पांचों पांडवों के सोते सोते सिर उतार लाया। अब तो दुर्योधन बहुत राजी हुआ कि पांडव लोग मारे गए। अश्वत्थामा को कहा इन सिरों में से भीम का सिर निकाल कर दो। अश्वत्थामा ने भीम नहीं भीम के पुत्र का सिर निकाल के दिया। भीम के पुत्र का सिर दिया, दुर्योधन हाथ में लेकर उसको तोड़ना चाहता था पर वो तो बच्चे का सिर था, थोड़ी देर में चूरा चूरा हो गया। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा ये भीम का सिर नहीं है, ये किसी और का सिर है, भीम का सिर तो लोहे का है, दीपक जलाओ। रात को दीपक जोड़ा गया और उस समय जब देखा तो वो तो पांडवों के सिर नहीं, पांडवों के पुत्रों के सिर हैं। अब तो दुर्योधन भी रोने लगा। अश्वत्थामा ने कहा क्या हुआ, क्यों रो रहा है? अरे पांडव नहीं, पांडव के बच्चे सही, दुष्ट पक्ष के विरोधी पक्ष के लोग मारे गए, रो क्यों रहे हो? दुर्योधन ने कहा अरे तूने ये क्या कर दिया, हमारे घर परिवार में तो कोई नहीं बचा। मैं सोचता था कि पांडवों के बच्चे जीवित हैं और पांडव लोग धर्मात्मा हैं, कभी जब वो अपने माता पिता बड़ों के नाम पर जल देंगे, तर्पण करेंगे, तो शायद हम कौरवों के नाम पर भी जल दे दें कि हमारे कोई नलायक ताऊ थे, चाचा थे, चलो उनका भी तर्पण कर देते। अरे तूने तो उस संभावना को समाप्त कर दिया, तूने तो वंश समाप्त कर दिया, उन बच्चों के ब्याह हुए नहीं थे, तूने उन सबको मार दिया। तो पहले खुशी हुई कि पांडव मारे गए, फिर दुख हुआ कि पांडव नहीं पांडवों के पुत्र मारे गए, और इसी उहापोह में दुर्योधन ने शरीर छोड़ दिया। इधर द्रौपदी सुबह अपने बच्चों को ढूंढती आई, जो देखा वहां तो खून की नदी बह रही थी। सिर पीट कर द्रौपदी रोने लगी, चित्कार मार कर मूर्छित हो गई। पांडव भागे भागे आए, पता चला ये सब कर्म अश्वत्थामा का है। दुर्योधन अश्वत्थामा को मारने भाजे, अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन आ रहे हैं, अपने प्राण रक्षा के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन ने देखा ब्रह्मास्त्र आ रहा है, क्या करूं? भगवान ने कहा तू भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दे। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराने लगे, अग्नि पैदा होने लगी, पूरी सृष्टि जल के भस्म हो जाती। अर्जुन ने भगवान से कहा अब क्या करूं? भगवान ने कहा इन दोनों ब्रह्मास्त्रों का आकर्षण कर लो। मतम च वासुदेवस्य संजहार अर्जुनो द्वयम्। भगवान के मत से अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र का आकर्षण कर लिया। अंत में अश्वत्थामा को पकड़ लिया, घसीटते हुए द्रौपदी के आगे ले गए। द्रौपदी से कहा बता यही तेरे बच्चों का हत्यारा है, क्या किया जाए? लेकिन धन्य है द्रौपदी, जब दूर से देखा कि गुरु पुत्र को लाया जा रहा है, द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए और अर्जुन से कहती हैं मुच्यताम मुच्यताम मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अर्जुन ने कहा इसको छोड़ दे, पापी को, हत्यारे को छोड़ दो, जानते नहीं हो ये गुरु पुत्र हैं और गुरु पुत्र गुरु के समान ही होता है। ब्राह्मण सदा पूज्य है, गुरु सदा पूज्य है। मैं तो छत्राणी हूं, पांच बेटों की मौत सह भी लूंगी, पर हमारी गुरु माता ब्राह्मणी है, उनसे अपने पुत्र का
बद का समाचार सहा नहीं जाएगा। गुरुजी पहले दिवंगत हो गए हैं, उनका पुत्र भी मारा गया, कहीं गुरु माता कृपी ने दुखी होके हमें श्राप दे दिया तो क्या होगा। आप लोग भूल गए, ये तीर कमान चलाना उन्हीं गुरु ने सिखाया था। छोड़ दो इनको। युधिष्ठिर को तो बात समझ आई, पर भीम अर्जुन नहीं माने। भगवान को कहा क्या किया जाए, भगवान ने कहा शास्त्र में लिखा है ब्रह्म बंधु न हंतव्य आता ताई बधार हना। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतंकी को छोड़ना नहीं चाहिए, पर ये तो दोनों ही है, ये तो आता ताई भी है और ब्राह्मण भी है, क्या किया जाए। अब भगवान ने कहा ब्राह्मण को मारना उसका तिरस्कार है, उसका बहिष्कार है, तो तिरस्कार करके इसका बहिष्कार कर दो समाज से, ठीक है। तब अर्जुन ने सिर मोड़ दिया और माथे पे जो मणि थी उस मणि को छुरा भोंक के निकाल लिया और ऐसा घाव माथे पे कर दिया जो कभी भरता नहीं, जिससे रक्त और मवाद निरंतर बहते हैं। अश्वत्थामा को धक्का दे दिया, निकाल दिया, और वो चिरंजीवी तो हैं ही एक कल्प के लिए। आज भी कितने लोगों को अश्वत्थामा का दर्शन होता है, यहां सुकताल में भी वो कभी कभी आते हैं, ऐसा संतों से सुना है। जिस समय श्रीमद् भागवत जी की कथा हुई उस समय भी दूर बैठकर उन्होंने कथा सुनी और प्रणाम किया श्रीमद् भागवत जी को। जब ये कल्प पूरा हो जाएगा तब उनका उद्धार होगा, इस कल्प तक वो जीवित रहेंगे और उनको हर समय पीड़ा होती रहती है, उस घाव में रक्त बहता रहता है और वो घाव कभी भरता नहीं है। ये भक्तों की हत्या से उनको ये पाप लगा। तो अश्वत्थामा को निकाल दिया और इधर भगवान आए और अब भगवान चलने की तैयारी करने लगे। अब पांडवों ने कहा प्रभु कहाँ चले, बोले भैया बहुत दूर हो गई, हमारी भी घर गृहस्थी बाल बच्चे हैं और रानियां कहेंगे कि रात दिन हस्तिनापुरी पड़े रहते, द्वारिका की सुध ही नहीं लेते, अब सब युद्ध हो गया, दुष्ट लोग मारे गए, मुझे जाना है द्वारिका। जैसे सुना द्वारिका जाना सब पांडव लोग विकल हो गए। कुंती बुआ को पता चला, कुंती बुआ आ गई, पांडव लोग आ गए, द्रौपदी आ गई, सुभद्रा आ गई, सब लोग विलाप करने लगे। भगवान रथ पर बैठना चाहते थे कि उसी समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, अर्जुन के दो विवाह हुए हैं, द्रौपदी से तो हुआ ही है, भगवान की छोटी बहन सुभद्रा से भी विवाह हुआ है, उन सुभद्रा से अर्जुन को एक पुत्र का जन्म हुआ अभिमन्यु, जो 16 वर्ष की अवस्था में युद्ध के मैदान में मारे गए। सब कौरवों ने घेर के उस बच्चे को मारा। अभिमन्यु को मारने के बाद ही फिर महाभारत के युद्ध से जो नियम बने थे वो टूटने लग गए। पहले कौरवों ने तोड़े, क्योंकि ये नियम था निहत्ते को नहीं मारा जाएगा, घेर के किसी योद्धा को नहीं मारा जाएगा, पर इन लोगों ने उस 16 बरस के अभिमन्यु को मारा, बहुत दुर्भिक्ष तरीके से मारा। लेकिन उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी उत्तरा, ये विराट नरेश की कन्या है, और इनके गर्भ में कौन है, इनके गर्भ में भागवत जी के प्रधान श्रोता श्री परीक्षित जी महाराज। अश्वत्थामा को तिरस्कृत कर दिया, पर इनके मन से पाप अब भी नहीं गया। सोचने लगे पांडवों के पांचों पुत्र मैंने मार दिए, पांडव तो बूढ़े हो गए, कितने दिन जीवित रहेंगे, सुना है अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती है, यदि उत्तरा का गर्भ नष्ट कर दूं तो ये पांडव निर्वंश हो जाएंगे। और इन अश्वत्थामा ने फिर ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा विराजमान थी और जैसे उस ब्रह्मास्त्र की अग्नि उत्तरा के गर्भ की ओर बढ़ी, उत्तरा भागी।
जबकि गर्भावस्था थी, भगवान के चलने की तैयारी भागती आ रही, पर सब में बड़ी बात कि किसी और से सहायता नहीं मांगी। कौन से सहायता मांग रही हैं? पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाही पाही महायोगिन, हे गोविंद, हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी शरण हूं। पाही पाही माने आपकी शरण हूं, आपकी शरण हूं। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, हे योगेश्वर, हे योगीनाथ, हे जगतपति, हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, मैं तुम्हारी शरण हूं। नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। आज परस्पर सब लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन हो रहे हैं, प्राण लेने वाले हो रहे हैं। देखो ये अश्वत्थामा का चलाया ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को गिराना चाहता है। हे गोविंद, मैं भले मर जाऊं पर मेरे गर्भ की रक्षा हो, पांडवों के बीज की रक्षा हो। ये कहके भगवान के चरणों में जैसे आके गिरी, भगवान ने उठा लिया। उनके भांजे की बहू है, भगवान की बेटी बोलते हैं भगवान, जब से अभिमन्यु का वध हुआ है, भगवान ने गोद में उठा लिया और कहा कुछ नहीं होगा। और उसी समय प्रभु ने क्या किया, भगवान ने अंगूठे के आकार का रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। बंधुओं, भागवत जी में लिखा है 10 महीने परीक्षित जी अपनी माता के गर्भ में रहे और 10 महीने ठाकुर जी भी उत्तरा के गर्भ में। बाद में जब उत्तरा मिलती थी तब भगवान हंसी करते थे उत्तरा से कि तुझे मां कहूं के बेटी, संबंध में तो तुम बेटी लगती हो, पर व्यक्ति गर्भ में अपनी मां के ही रहता है, तो तुम्हें मां कहूं कि बेटी, तूने दोनों ममता समेटी, तुझे मां कहूं कि बेटी। तब उत्तरा कहती, हे गोविंद, कुछ भी कहो पे अपना बना के रखो, जो संबंध चाहो सो बनाओ पे अपना बना के रखो। भगवान उत्तरा के गर्भ में और 10 मास तक घूम घूम कर, क्योंकि अश्वत्थामा तो चिरंजीव पता नहीं क्या कर दे, कब क्या कर दे, 10 महीने गर्भ में रहे। तो बंधुओं, ये भागवत जी की ऐसी कथा है, जो कथा सुना रहे हैं वो भी भगवत प्राप्त हैं और जो कथा सुन रहा है वो भी भगवत प्राप्त है। परीक्षित जी को तो मां के पेट में भगवान की प्राप्ति हो गई, उन्हें भजन कौन करना बाकी था। 10 महीने भगवान चलने को हुए, उसी समय कुंती बुआ आ गई, रोने लगी। भगवान ने कहा, क्या बात है बुआ? बोले, हे गोविंद, तुम जा रहे हो? बोले, जाना पड़ेगा, इतने दिन हो गए, द्वारिका की भी खोज खबर लेनी है। कुंती बुआ उस समय भगवान की स्तुति करने लगी। ये भागवत जी की प्रथम स्तुति है, इसको कुंती स्तुति कहते हैं। भागवत जी की स्तुतियों का बड़ा महत्व है और हर स्तुति का अलग अलग महत्व है। कुंती स्तुति करने पर भगवान का चिर सानिध्य प्राप्त होता है। भीष्म स्तुति करने पर जीव की सदगति होती है। गजेंद्र स्तुति करने पर अंतिम समय भगवान की स्मृति होती है। ऐसे अलग अलग स्तुतियों का अलग अलग महत्व है। यहां प्रथम स्तुति, भगवान रथ पे चढ़ने को तैयार, कुंती स्तुति कर रही हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पंकज नाभाय नमः, पंकज मालिने
नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाय विपदः शंतु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यतस्या पुनर्भव दर्शनम। स्तुति कर कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च श्री कृष्ण को प्रणाम, वासुदेव को प्रणाम, देवकी मैया के लाला को प्रणाम। भगवान ने देखा ही नहीं। कुंती बुआ कहे कन्हैया मैं स्तुति कर रही आप देख नहीं रहे क्यों? भगवान ने हंस के कहा बुआ जी आप तो अपने भैया भाभी की बड़ाई कर रही हो, मेरी स्तुति नहीं कर रही। देवकी जी के पुत्र को प्रणाम, वसुदेव जी के पुत्र को प्रणाम, क्योंकि वसुदेव जी तो सगे भाई हैं कुंती बुआ के। शूरसेन जी के ही पुत्र वसुदेव जी हैं, उन्हीं की पुत्री कुंती हैं। पर इनके पिता ने अपने मित्र को गोद देती थी कुंती भोज को, वचन दे रखा था कि एक संतान गोद दे दूंगा। तो कुंती गोद दे दी अपने मित्र को, तो उनके यहाँ पालन हुआ। बाकी सगी बहन है, भगवान की बुआ है। तो भगवान ने कहा आप तो भैया भाभी की वंदना कर रही हो, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। कुंती बुआ समझ गई। तब पहले तो कहा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, फिर कहा नंद गोप कुमारा, नंद जी के लाला को प्रणाम है। भगवान को उतना वासुदेव कहलवाना प्रिय नहीं जितना नंद लाला कहे से प्रसन्न होते। एक ही बात है, पर देव की नंदन कहे से उतनी प्रसन्नता नहीं जितनी जसोदा नंदन कहे से होती है, ब्रजवासी कहे से होती है। नंद लाला नाम उनको बहुत प्रिय है। तो गनंद गोप कुमार आया गोविंदाय नमो नमः, नंद गोप के लाला को मेरा प्रणाम है, गोविंद को प्रणाम है। गोविंद क्यों कहा? गोविंद माने क्या होता है? गवाम इंद्र इति गोविंद, गैयाओं के जो रक्षक हैं, गैयाओं के पालक हैं, उनको गोविंद कहते हैं। मानो कुंती बुआ कह रही हैं हे कृष्ण तुम तो गैयाओं की रक्षा करने वाले हो, गौ सेवा करने वाले हो, गोपाल को गैया बहुत प्यारी है, तो हे गोविंद मैं भी एक बूढ़ी गाय हूं, मुझे भी बूढ़ी गाय समझ के अब मेरी रक्षा करो, मुझे छोड़ के मत जाओ। गोविंदाय नमो नमः। आगे कहती हैं नमः पंकज नाभाय, हे गोविंद आपकी नाभि से कमल पैदा हुआ, उस कमल से ब्रह्मा पैदा हुए, ब्रह्मा जी ने सृष्टि सृष्टि की रचना करी। नमः पंकज मालिने, आपके गले में कमल की माला सुशोभित। नमः पंकज नेत्राय, आपके नेत्र कमल के जैसे। और नमस्ते पंकजाग्रहे, आपके चरणों में कमल का चिन्ह, आपके अंग से कमल की गंध आए, मुझे तो आपके श्री अंग में कमल वन का दर्शन हो रहा है। मुझे पता है गोविंद तुम्हें कमल बहुत प्रिय है, पे अपनी इस बूढ़ी बुआ पे दया करो, मेरा मन भी कमल जैसा बना दो। कमल कीचड़ में रहे पे कीचड़ में लिपटे नहीं, ऐसे मैं जगत में तो रहूं पर मैं जगत में लिप्त ना हूं, गोविंद ऐसी मुझ पे दया करो। और मैं तुम्हारी बुआ हूं, तुम मेरे भतीजे हो। भगवान ने कहा आप बुआ हो। अब बुआओं का मांगने का हक होता है? बोले बिल्कुल हक होता है बुआओं का। तो मुझे तुमसे कुछ चाहिए, क्या चाहिए? तो हे गोविंद विपदः संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। ओह ऐसी मांग किसी ने की नहीं आज तक। कुंती कहती हैं हे गोविंद ये वर चाहिए, मैं जहां भी रहूं दुखों में। विपदा संतुन शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, जहां रहूं तकलीफ में रहूं कष्ट में रहूं। भगवान ने मुंह पे हाथ धर दिया, क्या मांग रही हो ये? मैं तो कल्प तरु हूं, मेरे से जो मांगा जाए वही मिल जाए।
अब मेरे आगे क्या कह रही हो कि तकलीफ चाहिए, परेशानी चाहिए, को दुनिया में होएगा जो दुख मांगेगा, क्यों मांग रही हो? कुंती बुआ ने कहा, इसलिए मांग रही हूं कि जब तकलीफ होए तब तुम आ जाओ बचाने के लिए, और तुम्हारा मुख देख के सबरे दुख भूल जाओ। और अब तकलीफ नहीं रही, अब सुख का समय आ गया, तो तुम कहो मैं जा रहा हूं, तो मुझे दुख चाहिए। भगवान कहे तुम्हारा दुखों से पेट नहीं भरा बुआ। कुंती बुआ का सारा जीवन दुखों में बीता बंधुओं, उन्हें एक दिन जीवन में सुख नहीं मिला। पहले तो माता पिता ने त्याग दिया, उनको गोद देना था, थोड़ी बड़ी थी तभी तो अपने माँ बाप से दूर रही तो तकलीफ रही। उसके बाद में जब कुंवारी थी, बड़ी भजनानंदी थी, सूर्य भगवान को राजी कर लिया, पुत्र मिल गया, कान से कर्ण का जन्म हुआ। अब लोक लज्जा के कारण लोग दुनिया क्या कहेगी कि कुंवारी के बालक कैसे हो गया, तो गंगा जी में बहा दिए। अब पुत्र बहा दिया गंगा जी में तो बहुत कष्ट हुआ, रात दिन सोचती रही क्या होगा, कैसे होगा, जीवित होगा कि डूब गया होगा। विवाह हुआ तो पांडु के साथ, जो पीलिया के रोगी थे, और जिनको श्राप था जब स्त्री को छुओगे तभी मर जाओगे, तो संसार में उनको कोई ग्रस्त सुख नहीं मिला। असमय में विधवा हो गई। उनकी जो पांडु की जो दूसरी पत्नी थी माद्री, वो उनके साथ सती हो गई। फिर देवताओं से पुत्र मिले, बहुत कठिनाई से अपनी संतान का पालन किया। फिर धृतराष्ट्र ने एक दिन कभी चैन से रोटी नहीं खाने दी। वो दुर्योधन कभी पांडवों के भोजन में जहर मिला देता, कभी खीर में जहर मिला देता, कभी भीम को गंगा जी में धक्का दे दिया। बहुत कठिनाई से बच्चों का पालन किया। फिर बच्चे बड़े हुए तो द्यूत क्रीड़ा में उनको हराना चाहा, लाक्षा ग्रह में जलाना चाहा, आग से घिर गए पांडव लोग। कुंती भी उस समय थी, आग से घिर गए। फिर किसी तरह प्राण बचा के निकले, वर्षों भटकते रहे, कहाँ 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 कहाँ, भोजन की व्यवस्था नहीं, पांव में कांटे लग गए, पैदल घूमते रहे, दो दो तीन तीन बार द्यूत में हरा दिए। पांडव लोग वन को चले गए, अपने बच्चों से अलग रहीं, दुख पाती रहीं। उसके पश्चात फिर कर्ण मारे गए, तब बहुत दुख हुआ। फिर उनके सामने ही अभिमन्यु मारे गए, तब तकलीफ हुई। फिर पांच पांच पोते एक साथ मार दिए गए, फिर दुख हुआ। तो सारा जीवन उनके कष्ट में ही बीता। भगवान ने कहा आज सुख का समय आया, अब तुम्हारा पेट नहीं भर रहा दुख से, फिर दुख मांग रही हो। कुंती ने कही, गोविंद तुमने मेरी जीवन की कथा तो खूब सुना दी कि मुझे कितने दुख मिले, पर ये नहीं बताया कि दुख तो पीछे आया, तुम बचाने के लिए पहले आ गए। तुम्हारी बुआ तो कब की मर गई होती यदि तुम बार बार आके न संभालते। तो मुझे दुख से तकलीफ नहीं, मुझे तुम्हारे वियोग से तकलीफ है। हे गोविंद, ऐसी कृपा करो कि तुम्हारा दर्शन होता रहे। अच्छा, तो दुख तो नहीं दूंगा, पर एक वर दूंगा कि भले संसार में मैं दूर दिखाई दूं, पर निरंतर तुम्हारी आंखों के सामने बना रहूं, तुमसे दूर कभी नहीं होऊंगा। मुझे एक चीज और मांगनी है। मांगिए। बोले, इन पांडवों में से मेरी ममता खत्म हो जाए। ये अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, इनमें मेरी बड़ी ममता, बड़ी आसक्ति। भगवान ने कही, तुम्हारे बेटे तो संत हैं, इनमें आसक्ति कोई तुम्हें नुकसान नहीं देगी। कुंती बुआ कहे, इस भाव की आसक्ति खत्म हो जाए कि ये मेरे बेटे हैं, तो किस भाव की हो जाए? इस भाव की हो जाए, ये तुम्हारे भक्त हैं, इस भाव का संबंध हो, ये मेरे कुछ लगते हैं, ये भाव खत्म हो जाए, ये सब तुम्हारे हैं, यही भाव मेरा मन हो। मैं अर्जुन को भी प्रणाम करूं, युधिष्ठिर को भी प्रणाम करूं, जितना तुम्हें ये भजे उतना मैं नहीं भज पाऊंगा, पर गोविंद तुम्हारे जैसे स्वामी को पाके तुम्हारी बुआ अज्ञान में पड़ी न रह जाए, मुझे ज्ञान दे। तुम्हारे लिए नेत्र भीजे रहे,
तुम्हारी स्मृति बनी रहे, तुम्हें भूल न जाऊं। उस समय भगवान ने अपनी बुआ को हृदय से लगा लिया और कहा, अच्छा अब ज्यादे मत रो, अब मैं यहीं रह जाता हूं। उस समय कुंती बुआ ने भगवान की स्तुति की है और गाया है कुंती बुआ ने, हे गोविंद तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करता दुनिया के पालनहार, जो भी देना चाहे दे दे करता दुनिया के पालनहार, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, प्यारे जैसे भी रखोगे ऐसे रहनेंगे हम, प्यारे जैसे भी रखोगे ऐसे रहनेंगे हम, चाहे हंसी भरा संसार, हंसी भरा संसार, यादे आंसुओं की धार, जो भी देना चाहे दे दे करता दुनिया के पालनहार, जो भी देना चाहे दे दे करता दुनिया के पालनहार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे दोनों है पसंद तेरी धूप हो या छांव, दोनों है पसंद तेरी धूप हो या छांव, प्यारे जिस भी दिशा में ले चल जिंदगी के नाम, प्यारे जिस भी दिशा में ले चल जिंदगी के नाम, चाहे हमें लगा दे पा, चाहे डुबा दे चाहे बीच मझधार, डुबा दे चाहे बीच मझधार, जो भी देना चाहे दे दे करता दुनिया के पालनहार, जो भी देना चाहे दे दे करता प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करता दुनिया के पालनहार, जो भी देना चाहे दे दे करता के पालनहार। स्तुति करिए हाथ जोड़ के, भगवान ने कहा ठीक है अब मैं नहीं जा रहा। बोले भगवान रुक गए। क्यों रुक गए? चार कारण से रुक गए। पहला कारण उत्तरा के गर्भ की रक्षा, दूसरा कुंती बुआ के मन को सांत्वना, तीसरा अर्जुन को युद्ध से पहले मोह हुआ था, युधिष्ठिर को युद्ध के बाद मोह हुआ था कि मेरे कारण इतना नरसंहार हो गया, तो युधिष्ठिर का मोह दूर करना है, और चौथा और सबसे प्रबल कारण क्या है कि युद्ध के मैदान में शरशय्या पे कोई प्रतीक्षा कर रहा है भगवान की, कोई भगवान का भक्त। वो कौन है? वो है भीष्म पितामह। वे शरशय्या पर पड़े हैं और मन ही मन भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, देहांत काले तुम सामने हो, मुर्गी बजाते
मन को लुभाते देहांत काले तुम साम दे हो मुरली बजाते मन को लुभाते गाता यही मैं तन नाथ त्यागूं गाता यही मैं तन नाथ त्यागूं गोविंद दामो दर माधवेती गोविंद दामो दर माधवेती अर्जुन सखा संग में कृष्ण आए अर्जुन सखा संग में कृष्ण आए मधुर मोहनी देख मूरत लुभाए मधुर मोहनी देख मूरत लुभाए पड़े भीष्म बाणों शैया पे गाए बड़े भीष्म बाणों की शैया पे गाए गोविंद दामो दर माधवेती गोविंद दामो दर माधवेती हे कृष्ण यादव हे सखेती हे तो भीष्म पितामह बाट देख रहे हैं बंधुओं और उस समय भगवान ने अर्जुन को कहा कि चलो अर्जुन कहां बाबा से मिला तब पांडवों को लेकर भगवान पहुंचे जहां भीष्म पितामह शरशैया पर विराजमान थे और उस समय जब दूर से भगवान को आते देखा वो कौन तिथि थी माघ शुक्ल अष्टमी का दिन था भीष्म पितामह की 148 वर्ष की आयु थी भगवान उस समय पहुंचे और जब पूरे भारत के संतों को पता चला कि भगवान जा रहे हैं भीष्म पितामह के पास तो सबको पता था कि अब भीष्म जाएंगे तो हम देखेंगे कि एक संत कैसे प्राण छोड़ता है तो कितने कितने भारत के ऋषि मुनि आकर एकत्र हो गए भीष्म पितामह के पास भीष्म पितामह ने देखा इतने इतने संत लोग आ रहे हैं कितने कितने संत लोग आए सबको प्रणाम कर रहे सब अब उठ तो सकते नहीं तो हाथ जोड़ कर हाथ भी नहीं जोड़ सकते नेत्रों से प्रणाम कर और जब भगवान आए तब तो क्या कहना भीष्म पितामह की आंखों से झरझर अश्रु प्रवाह होने लग गया अब भगवान को आते देखा तब ठाकुर जी को कहा हे गोविंद उठ के प्रणाम नहीं कर सकता आपको तो मेरे नेत्र झुकाने को आप प्रणाम समझो भगवान ने कहा ठीक समझ लिया प्रणाम अब आपके चरण भी नहीं धुला सकता तो मेरी आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं इन्हीं को चरण प्रक्षालन मानो भगवान ने कहा कोई बात नहीं तब भगवान सिरहाने आके खड़े हो गए अब भीष्म पितामह के सिर पर हाथ फेरने लगे भीष्म पितामह रो रहे भगवान कह रहे क्या बात है बाबा बोले हे गोविंद मैं तुम्हारे दर्शन के लिए ही प्राणों को रोके हुए मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था और सोच रहा था कि जीवन भर तो तुम्हें भजा तुम्हें चाहा अब इस समय तुम आओगे कि नहीं आओगे यही मेरी भक्ति की परीक्षा थी देखिए जीवन भर भजन कीजिए नाम ग्रहण कीजिए यदि जीवन भर नाम स्मरण किया तो अंतिम समय नाम हमको स्मरण कर लेंगे भले विपरीत परिस्थिति हो अब मृत्यु के समय रोग तो प्राय सभी को घेर लेते हैं शरीर भी निढाल हो जाता है अनेक लोगों का बोलना बंद हो जाता है हाथ पांव शिथिल हो जाते हैं पर यदि भगवान से प्रार्थना की होगी
तो अंतिम समय हम भगवान को भूले तो भगवान हमें नहीं भूलेंगे, ये भगवान की करुणा है। उस समय भीष्म पितामह ने कहा, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था और ये सोच रहा था कि आज मेरी भक्ति की परीक्षा है कि भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे। हे गोविंद, बहुत दया की आपने। भगवान ने कहा, बाबा क्यों रो रहे हो? भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु पहली विनती तो ये है कि आप मेरे पैरों की तरफ आ जाओ। भगवान ने कहा, हम तुम्हारे सिर की तरफ, तुम्हारे सिर पे हाथ धरे हैं। सब लोग चाहते भगवान का हाथ हमारे सिर पे रहे, तुम कहो पैरों की ओर आ जाओ। क्यों? बोले आपका मुख नहीं दिखाई दे रहा, वैसे करके देख नहीं सकता हूं, मुख नहीं दिखाई दे रहा, आप मेरी नेत्रों के आगे आ जाओ। भगवान नेत्रों के आगे आ गए, तब भीष्म पितामह भगवान का दर्शन करने लगे, आंखों से झरझर अश्रुपात हो रहा है। भगवान कहते हैं, क्या हुआ? भीष्म कहते हैं, प्रभु ये लोग कहते हैं कि भीष्म कौरवों की ओर से लड़े, भीष्म अधर्मियों की ओर से लड़े, पापियों की ओर से लड़े। मैं तुम्हें बताऊं गोविंद, मैं उनकी ओर से क्यों लड़ा? मुझे तो पता था जिसकी तरफ तुम हो विजय उन्हीं की होनी है। मुझे तो पता था जीतेंगे पांडव, मैं जानता था। मैं कौरवों की ओर से क्यों लड़ा? ये सिंहासन से बंधाऊं ये तो बहाना है, सोचा पांडवों की ओर चला जाऊंगा तो तुम्हारा दर्शन नहीं होगा, और कौरवों की ओर रहूंगा तो आमने सामने तुम्हारा दर्शन होता रहे। मैं क्या कहूं, जब सवेरे युद्ध के मैदान में आता था मेरी बूढ़ी आंखें तुम्हें ढूंढती थी, लगता था शायद आज ही मारा जाऊं, तो यही निश्चय होता था कि जब मुझे बाण लगे तो आंखों के सामने तुम हो, और तुम अर्जुन के सारथी बन गए, मेरा तो काम बन गया। मुझे ये भी पता था कि मारेगा अर्जुन ही मारेगा, अब मुझे अर्जुन के हाथ तीर लगने में कोई तकलीफ भी नहीं हुई, क्योंकि वो तुम्हारा भक्त है, पांडव तुम्हारे भक्त हैं। भक्त के हाथ से मारा गया और तुम्हारे दर्शन करते हुए मेरे बाण लगे, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। हे कृष्ण, मुझ पर दया करो। क्या चाहते हो? मुझे तुमसे एक वचन चाहिए, एक वर चाहिए। भगवान कहे, एक नहीं 100 वर मांगो। बोले ने, एक वर चाहिए। क्या चाहिए? सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता, कलेवरम याव दिदम हिनुम्य हम, प्रसन्न हासा अरुण लोचन उल्लसन, मुखाम बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। हे देव देवो भगवान प्रतीक्षता, मुझे वचन ये चाहिए कि अब आप मेरी प्रतीक्षा करोगे। अभी तक तो मैंने की आपकी, अब आपको करनी है। कैसे? बोले सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम याव दिदम हिनुम्यहम, जब तक मैं शरीर को न छोड़ दूं तब तक आप यहां से जाओगे नहीं, ये मुझे वचन दो। भगवान ने कहा, नहीं जाएंगे हम, जाने के लिए नहीं आए। अब तुम भगवत धाम जाओगे तभी हम जाएंगे, और क्या चाहते हो? बोले ये वचन और दो, मेरी बुद्धि जहां जहां जाए प्रसन्न हास अरुण लोचन उल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुज, मेरे ध्यान पथ में आपका मुखारविंद प्रकट हो। मुझे अब कोई न दिखाई दे, कोई पांडव नहीं, कोई कुछ नहीं दिखाई दे, बस मुझे चारों ओर तुम ही दिखाई दो, ये वचन चाहिए। भगवान ने कहा, ऐसे ही होगा, और बताओ। तब भीष्म पितामह ने कही, कन्हैया मेरा एक काम अधूरा रह गया। क्या? बोले मेरी बेटी कुंवारी रह गई। सब लोग चौंके कि ब्रह्मचारी की बेटी कहां से आई। तब भीष्म पितामह ने कहा, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा सात्वक पुंगवे विभूमनि, हे गोविंद ये मेरी बुद्धि रूपी बेटी अभी तक कुंवारी है। बुद्धि रूपी बेटी कुंवारी का अर्थ क्या है? मानी मेरी बुद्धि ने कभी व्यभिचार नहीं किया, मेरी बुद्धि ने कभी गलत बात का चिंतन नहीं किया, मेरी बुद्धि ने कभी किसी का बुरा नहीं विचारा।
क्या चाहते हो? बोले सुना है कि अंतिम समय अगर बुद्धि बिगड़ जाए तो उसके पीछे पीछे जीव की गति हो जाती है। शास्त्र में लिखा है अंतिम समय में यदि धन में मन रह जाए, बुद्धि धन में रह जाए, वो उस पैसे को कौन लेगा, उस पैसे को कौन लेगा, सोना कौन लेगा, चांदी कौन लेगा, तो अगले जन्म में सर्प की योनि प्राप्त होती है। भगवान कहते हैं तुम 2-4 करोड़ के पीछे परेशान थे, अब धरती में जितना धन गड़ा है वो सब तुम्हारा है। और आप जानते हैं सांप लोग कुंडली मार के बैठे रहते हैं, उनको पता होता है कि धरती में कहां कहां धन गड़ा हुआ है। अब भगवान कहते हैं ठीक है, धरती के नीचे तो बहुत पैसा है, सब तुम्हारा। यदि अंतिम समय बुद्धि संतान में रह जाए, बेटे का क्या होगा, पोते का क्या होगा, पोती का क्या होगा, फला रिश्तेदार नहीं आया, ढिका रिश्तेदार नहीं आया, और घर वाले मरते को और मारते हैं, कोई मर रहा है कि फला नहीं आया उसको बुला लो, ढिका नहीं आया उसको बुला लो, अरे भैया आप कोई रिश्तेदार बेड़ा पार नहीं करेगा, उसको और आप नरक में डाल रहे हैं, उसको राम नाम सुनाओ भाई कान में, कृष्ण नाम सुनाओ, उसको गीता भागवत सुनाओ, उसके मुख में चरणामृत तुलसी दल दो, उसको मत घसीटो संसार में, उसको उसका आगे का पथ उजागर हो वो काम करो। अंतिम समय यदि संसार में संतान में मन रह गया तो हमारे शास्त्र कहते हैं अगले जन्म में सूकर कूकर की योनि प्राप्त होगी। अब देखो सूकर कूकरी के कितने बच्चे होते, भगवान कहते 2-4 संतान के पीछे परेशान थे, जितने कूकर सूकर कितनी संतान होती है उनके। अंतिम समय में यदि घर में मकान में जमीन में दुकान में मन रह गया तो अगले जन्म में प्रेत की योनि प्राप्त होगी। प्रेत लोग खंडरों में घूमा करते हैं, भगवान कहते तुम 200-500-1000 गज जगह के पीछे परेशान थे, अब जितनी खंडर है वो सब तुम्हारे नाम। प्रेत लोग घूमा करते भटका करते। यदि अंतिम समय में स्त्री पुरुष में मन रह गया, पत्नी में पति में, तो अगले जन्म में वैश्या का शरीर प्राप्त होता है। काम वासना में मन रह गया तो वैश्या का शरीर प्राप्त होता है। और बंधुओं अंतिम समय में यदि भगवान नाम मुख पे आ गया, अरे भगवान नाम तो बहुत बड़ी बात है, ये जो आप यहां कथा सुन रहे हैं ना, ये सत्संग भी कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप कथा सुन रहे, कोई कथा की पंक्ति ध्यान आ गई, कोई श्लोक ध्यान आ गया, अरे भाई कभी सुक्रताल गए, ऐसे पाठ हुए, ऐसे कथा हुई, गंगा नहाए, बहुत आनंद आया, बट ये चिंतन माथे में आ गया, पार हो जाएंगे, पार हो जाएंगे। ये वट वृक्ष ध्यान में आ गए, ये गंगा जी ध्यान आ गई, हनुमान जी ध्यान आ गए, नाम ध्यान आ गई, ये कथा ध्यान आ गई, पार हो जाएंगे। वृंदावन स्मरण हो गए, यमुना जी स्मरण हो गई, गीता भागवत गो माता का ध्यान हो गया, पार हो जाएंगे। किसी संत महापुरुष का ध्यान आ गया, पार हो जाएंगे। बंधुओं तो क्यों अपनी दुर्गति करी जाए, क्यों दुर्गति करी जाए? देखिए जितना संभालना है इस मन को संभालना है। शरीर संभालते संभालते तो बूढ़े हो गए, शरीर संभालते संभालते, धन संभालते संभालते, परिवार संभालते संभालते, लेकिन शरीर को कितने ही संभालो ये राख होना है, ये छूट नहीं है, राजा का भी छूटेगा, रंक का भी छूटेगा। संभालना कौन चीज को है बंधुओं? इस बिगड़े मन को संभालना है। बंधन भी मन ही को है और मोक्ष भी मन ही को है। आत्मा तो नित्य मुक्त है, उसका काहे का बंधन, काहे का मोक्ष? ये जितने बंधन मनी को है, मोक्ष भी मनी का है। भीष्म पितामह भगवान को कह रहे मेरी बुद्धि रूपी बेटी का वरण कर लो। कई अंतिम समय में जबकि उनकी तो बुद्धि इधर उधर नहीं जा सकती, पर कितने सावधान है, कहें कहीं बुद्धि इधर उधर न चली जाए मेरी मरते समय, क्योंकि जहां बुद्धि जाएगी, भगवान कहते हैं यम यम वापी स्मरण भावम चज संचे कलेवरम तम तमे वैत कौन ते सदा तद भाव भाविता। जहां बुद्धि जाएगी वहीं पीछे पीछे हम भी चले जाएंगे, तो मेरी बुद्धि रूपी बेटी का वरण कर लो।
ब्याह कर लो, वो आपसे बढ़िया दामाद कहां मिलेगा। माने मुझे बुद्धि योग दे दो, मेरी बुद्धि का वरण कर लो। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बुद्धि को स्वीकार करता हूं। ये भगवान से जो सद्बुद्धि मांगी जाती है, गायत्री मंत्र का भी यही अर्थ है कि भगवान आप हमें सद्बुद्धि दीजिए। ये अर्थ क्या है? अर्थ यही है कि हमारी बुद्धि का आप वरण कर लीजिए। जैसे आप अर्जुन के सारथी बने हैं, ऐसे मेरे जीवन रथ के भी सारथी बन जाइए। पर इसके लिए शरणागति करनी होती है, 100 पैसा शरणागति करनी होती है। अर्जुन का रथ चलाया, भगवान हमारा भी चला देंगे, पर अर्जुन की तरह रथ की डोरी ठाकुर जी के हाथ में देनी पड़ती है। अर्जुन के रथ की ध्वजा पे हनुमान जी बैठे हैं, अपने जीवन को किसी संत के आश्रय में रखना पड़ता है। ध्वजा पे हनुमान जी माने संत का पल्ला पकड़ लिया, किसी संत के आश्रय में हो गए। अर्जुन की विशेषता यही है, वो संत की छाया में बैठे हुए, हनुमान जी की छाया में बैठे हैं। तो परिणाम ये हुआ कि ठाकुर जी ने रथ की डोरी पकड़ ली। अर्जुन नहीं कहता कि ऐसे ले चलो वैसे ले चलो, भगवान की जहां राजी हो वहां ले चले। अभिमन्यु को मारा जा रहा था, भगवान दूसरी दिशा में रथ ले गए। उनको पता अभिमन्यु अल्पायु है, ऐसे शरीर छूटेगा उनका। तो जीवन की डोरी ठाकुर जी के हाथ में दे दे, अपने कर्तव्य कर्मों को करता रहे और भगवान का भजन करता रहे। यही समझे, यही माने कि मैं गोविंद का हूं। मैं परिवार का नहीं, परिवार मेरा नहीं, ये सारा ग्रस्त संसार मुझे सेवा के लिए मिला है। हाँ, मैं ईमानदारी से सेवा करूंगा, जितनी मुझसे बनेगी मैं उतनी करूंगा, पर मैं बदले में किसी से कुछ चाहूंगा नहीं। मैं चाहूंगा केवल श्री कृष्ण से, गोविंद ही मेरे हैं और मैं उनका हूं। ये शरीर मुझे उन्हीं की प्राप्ति के लिए मिला है। इस भाव को हृदय में मजबूत करना होगा और इस संसार को एक नाटक की तरह देखना होगा। जैसे व्यक्ति सिनेमा देखता है, 3 घंटे की पिक्चर में एक बहुत बड़ा चरित्र दिखा दिया जाता है, हीरो का जन्म भी हो गया, ब्याह भी हो गया, बच्चे भी हो गए, बूढ़ा भी हो गया, पोते भी हो गए, मर भी गया। एक पूरा चरित्र दिखा दिया जाता है 3 घंटे में। लेकिन उस चरित्र को, उस चलचित्र को देख के हम मोहग्रस्त तो नहीं होते? हीरो मर गया यदि पिक्चर में, तो घर पे आके सूतक तो नहीं मनाते? पिक्चर की उपलब्धि को उपलब्धि तो नहीं? क्योंकि हमको पता है ये सब नाटक है, ये सब झूठ है, ये केवल मनोरंजन करने के लिए, रोने धोने के लिए नहीं है ये। ऐसे ही जैसे वो 3 घंटे की पिक्चर है, ये जरा और लंबी 60-70-80 वर्ष की पिक्चर है, पर खत्म ये भी होगी। जैसे उस चलचित्र के पात्र काल्पनिक हैं, ऐसे इस चलचित्र के पात्र भी काल्पनिक हैं। जैसे एक सिनेमा देखता है व्यक्ति मनोरंजन के लिए, ऐसे अपने परिवार संसार को भी देखे। अच्छा वैसा हो गया, कोई बात नहीं। अब ऐसा हो गया, अच्छा कोई बात नहीं। अब ये शरीर रोगी हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब स्वस्थ हो गया, कोई बात नहीं। अब मेरा शरीर बूढ़ा होता जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। अब बच्चों के ब्याह हो गए, कोई बात नहीं। बच्चों के भी बच्चे हो गए, कोई बात नहीं। अब मेरा घर में कुछ सम्मान कम होता है, अब बाल बच्चे कुछ कम पूछते हैं मुझे, पहले मेरी बहुत पूछ थी, कोई बात नहीं। अच्छा हुआ मैं सब बातों से बचा, मुझे हर चीज में पैर अड़ाना जरूरी है क्या? हर काम में मुझे बोलना जरूरी है क्या? कोई बात नहीं, अपनी दृष्टि को इधर से उधर कर लेता, मैं उधर देखूंगा नहीं, क्योंकि मुझे तो कहीं और जाना है, मुझे तो गोविंद के पास जाना है। इस संसार के लिए तो मैंने बहुत तैयारी कर ली, मैंने अपने परमार्थ के लिए क्या किया? मैंने अपने परलोक के लिए क्या किया? 10-20 दिन की यात्रा होती है, उसकी कितनी तैयारी आदमी करता है? कपड़े भी रख लो, भोजन भी धर लो, पैसा भी धर लो, दवाई भी धर लो, ये भी धर लो, वो भी धर लो, कितनी तैयारी।
इस शरीर को छोड़ने के बाद तो बहुत लंबी यात्रा करनी है, उसकी हमने क्या तैयारी करी है। संसार की एक वस्तु साथ चलेगी नहीं, वहां जो धन चलता है उस नाम के धन को हमने कमा के रखा है कि नहीं रखा है, हमने अपने मन को आसक्तियों से कितना हटाया है, हम भीतर से कितने एकाग्र हुए हैं, हम भीतर से कितने शांत हुए हैं, संसार की बातें हमको कितना उद्विग्न करती हैं, हम किस बात पर कितनी जल्दी उखड़ जाते हैं, हमारी मानसिक स्थिति क्या है, हम भीतर से कितने धनी हैं, कितने कंगाल हैं, कितने खोखले हैं, ये हम जानते हैं और कोई नहीं जानता। बंधु ये भागवत इसीलिए है, अपने मन को संभालना, अपने मन को सुधारना है, ये रीति सीखनी है। कोई कहे मैं बहुत तकलीफ में, बहुत दुख में, अरे भीष्म पितामह से ज्यादा दुख तो नहीं है हमको, भीष्म पितामह से ज्यादा तकलीफ में तो नहीं है, मीरा बाई से ज्यादा तकलीफ में तो नहीं है, नरसिंह मेहता जी जितना दुख तो नहीं है, मीरा बाई को तो जहर दिया गया, उनको तो सांप फेंके गए उनके ऊपर, उनको मारने के लिए तलवार चलाई गई, कितनी तकलीफ, हमें कोई जहर तो नहीं दे रहा, कोई हमारे सारे शरीर में बाण तो नहीं लगे हुए। हम जब मिलान करेंगे तो हम उन लोगों से बहुत अच्छे, बहुत सुविधाओं में, उनके पास कोई सुविधा नहीं थी, बहुत तकलीफ थी, वे लोग इसी युग में हुए, इतने विघ्नों के बीच भी गोविंद को भज लिया, पा लिया, और हम इतनी सुविधा के बीच में भी भजन न कर पाए, तो इसके कारण हम हैं, कमी भगवान की कृपा में नहीं है, कमी पात्रता में, अपनी पात्रता को बढ़ाना है। और एक ही पात्रता है कि मन ये मान ले कि श्री राधा गोविंद ही मेरे हैं और मैं श्री राधा गोविंद का, इतनी बात मान ले और साधना में लग जाए। साधना माने मन को संभालना, मन को साधना। कपड़े रंगने को कोई नहीं कह रहा, घर छोड़ने को कोई नहीं कह रहा, बाबा जी बनने को कोई नहीं कह रहा, और बाबा जी बन के भी यदि मन को नहीं संभाला तो कोई छूट नहीं मिलने वाली। कितनी जगह देखा जाता है कि शरीर से साधु बन गए लेकिन कर्मों में कोई सुधार नहीं हुआ, तो सोचते हैं उनको क्या वैकुंठ मिलेगा। गृहस्थी को भी मन को सुधारना होगा, साधु को भी मन को सुधारना होगा, भजन इस पापी मन को करना है और इससे करवाना है, पर हमारे पास समय कहां, हमारी सारी ऊर्जा केवल 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 बाहर ही लगी हुई है, हम कभी अंतर्मुख हो ही नहीं पा रहे, हम अपनी चित्त वृत्तियों को एकाग्र कर ही नहीं पा रहे, कब करेंगे। एक साधक उसको कहते हैं जो अपने आप को संभाल रहा है, साध रहा है, अपने मन को खुद समझाएं, हम खुद अपने मन को समझाएं, अपनी गलतियों पे अपने आप को डांटें, अपने को समझाएं, भाई तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों इतना अटकाव, क्यों इतनी हाय हाय, क्यों इतना लगाव, अपने को समझाना है, इसी को साधना कहते हैं, अपने मन को समझाना है और गोविंद में लगाना है। भीष्म पितामह भगवान से यही निवेदन कर रहे हैं, हे गोविंद मेरी बुद्धि का आप वर्ण कर लीजिए। जिस समय भगवान से वार्ता हो रही थी उस समय युधिष्ठिर पास में थे, तब भगवान ने कहा बाबा ये युधिष्ठिर भैया बहुत दुख पाते हैं, क्यों, ये कहते हैं कि मेरे कारण इतना नरसंहार हो गया, इतने लोग मारे गए, तो आप इनको समझाओ। भीष्म पितामह ने कहा तुम्हारे रहते मैं समझाऊं, जो गीता का ज्ञान दे उसके आगे मैं बोलूं। बोले मेरे से बड़े हैं ना, अर्जुन तो मेरे साथ के हैं, मेरी बात समझ गए, पर ये बड़े हैं तो मेरी बात नहीं माने। तब भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को कहा भैया तुम जिनको अपने मामा का बेटा समझ रहे हो ये किसी के मामा के बेटे नहीं है, परमात्मा ने ही इनके रूप में उतार लिया है,
ये तो हम जीवों पर कृपा कर रहे जो हमारे सामने नर रूप में खड़े हैं, तुम इनको अपने मामा का ही बेटा मान रहे हो या सारथी मान रहे हो, सहायक मान रहे हो, ऐसी बात नहीं। इन कौरवों को तो मरना था, ये भगवान का अवतार ही धर्म की स्थापना के लिए, धर्मियों को मारने के लिए हुआ है, तो इनके लिए शोक मत करो तुम। लेकिन युधिष्ठिर को बात नहीं समझ आ रही थी, तब भगवान ने बहुत अच्छे से समझाया और महाभारत में उल्लेख है दान पर्व में, उस समय भीष्म पितामह ने राज धर्म क्या, परिवार का धर्म क्या, युद्ध का धर्म क्या, राजा का धर्म क्या, बहुत विस्तार से समझाया। कहते जिस समय समझा रहे थे द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म पितामह ने कहा क्यों हंसी बेटी तुम? द्रौपदी को दो ही बार जीवन में जोर हंसी आई, एक तो दुर्योधन को देख के जब वो गिर गए पानी में, और एक इस समय आई। तब उन्होंने कहा देखो, भीष्म पितामह ने कहा देखो, बड़े बूढ़ों के आगे अस्मय में बहु बेटियों को इस प्रकार हंसना नहीं चाहिए, तो बताओ क्या कारण है? हंसने जैसी तो बात कोई नहीं हो रही। अब बहुत टाला। फिर आप जानते हैं द्रौपदी ने कहा बाबा मैं ये सोचकर हंसी कि अब तो आपको बहुत ज्ञान सूझ रहा है, सर सही आप है, ये ज्ञान उस दिन कहाँ चला गया था जब दुष्ट लोग मुझे अपमानित कर रहे थे। भीष्म पितामह ने कहा बेटी मैं तुमसे भी माफी मांगता, मैंने दुष्ट का संग कर रखा था, मैंने दुष्ट का अन्न खाया हुआ था, और असली बात पूछो तो मैं बताऊं, मुझे पता था तेरा बाल बांका नहीं होगा, आप बैठे क्यों रहे? बोले बाह्य कारण तो यही है कि पांडव लोग तुम्हें हार चुके थे और मैं आधीन था उन लोगों के, तो बोल नहीं पाया। बोले आप में तो इतनी ताकत थी, आप खड़े होकर कह देते खबरदार, जो किसी ने बहू को हाथ लगाया हो सारी सभा एक तरफ, आप एक तरफ, कोई आपको जीत नहीं सकता था। दुर्योधन दुशासन आपके आगे क्या थे, मैं आपके पैरों में गिड़गिड़ाती रही और आप उठ के खड़े नहीं हुए। भीष्म पितामह ने कहा बेटी मैं खड़ा हो जाता तो कन्हैया कैसे आते थे, यदि मैं खड़ा हो जाता, मुझे पता था कि इस समय कोई लीला होगी, इस समय कोई लीला होगी, मैं भगवान की लीला देखना चाहता था, भगवान का प्रभाव देखना चाहता था, यदि मैं रोक दूं तो भगवान चीरा अवतार न ले। पर बेटी मेरे होने न होने से कोई फर्क तो नहीं पड़ा, तूने जिनका पल्ला पकड़ा है वो अपमानित होने नहीं देंगे, इतनी बड़ी कौरव रूपी सेना सागर को पार कर गए, मुझे ध्यान है जिस दिन तू रात को आई थी, मुझे ध्यान है दुर्योधन बार बार चिढ़ाता था भीष्म पितामह को, तुम मन से नहीं लड़ रहे, तुम मिले हुए हो पांडवों से, लड़ना नहीं चाहते, खेल कर रहे हो, अभी तक तो कितने पांडव मार दिए होते। तब भीष्म पितामह को बार 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 जब वो परेशान करे, तब भीष्म पितामह ने कहा ठीक, अब या तो पांडवों को मारूंगा, रोज एक पांडवों को मारूंगा, और या भगवान से शस्त्र उठवा के रहूंगा। दुर्योधन ने कहा तब तो बात बन गई, भगवान तो प्रण कर ही चुके शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तब तो जरूर पांडवों की मौत है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, अब उनकी प्रतिज्ञा तो जग जाहिर है, सब परेशान हो गए, दुर्योधन कौरव लोग खुश हो गए, रात को सब लोग सो गए, पर भगवान को नींद नहीं, कभी इस करवट कभी उस करवट, कभी इस करवट कभी उस करवट, रात को सो के उठे सोचे मुझे नींद नहीं आ रही, बेचारे पांडव तो कितने परेशान होंगे। अर्जुन के शिविर में गए तो अर्जुन तो तान दुपट्टा सो रहा, भगवान ने कहे भले आदमी उठ, अर्जुन उठे क्या बात, बोले क्या बात, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे बाबा ने क्या प्रण किया, क्या प्रण किया कि रोज एक पांडव को मारूंगा, और तुझे पता है कि और कोई भाई तो उनके सामने खड़ा नहीं हो सके, तुझे ही जाना पड़ेगा, माने कल तू ही मरेगा, और जिसकी कल मौत हो वो तान दुपट्टा सो रहा है। अर्जुन ने कही प्रभु मैं चिंता करता था जब तक गीता नहीं सुनी थी,
गीता सुन ली तो चिंता करनी छोड़। मुझे समझ में आ गया, चिंता हमें नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। अब मैं चिंता नहीं करूं। और ये कह करके अर्जुन फिर सो गया। भगवान ने कहा बहुत बढ़िया, अब तू सो, हमें जागना पड़ेगा। तब भगवान चले और द्रौपदी को रात को उठाया। द्रौपदी को भगवान बहन कहते हैं, वो धर्म की बहन है। आप जानते हैं जब शिशुपाल को भगवान ने मारा तो चक्र की नोक लगी, भगवान के रक्त की बूंद, तब द्रौपदी ने अपना आंचल फाड़ दिया साड़ी, और भगवान की उंगली पर पट्टी बांधी। तब भगवान ने कहा बहन एक एक धागे का मूल्य चुकाएंगे। सुभद्रा तो सगी बहन है भगवान की, पर द्रौपदी धर्म की बहन है। भगवान द्रौपदी को सखी कहते हैं, सखी कहते हैं द्रौपदी को। द्रौपदी को उठाया, उठी, देखे मेरे भाई खड़े, क्या बात है। भगवान ने कहा चल। कहाँ चलूँ, बोले जैसे जैसे कहूँ ऐसे ऐसे करना, बीच में बोलना नहीं। लेके चल पड़े, रास्ते में सबरी बात समझा दी, और कौरवों के शिविर में भीष्म पितामह के बाहर आ गए। सब कुछ समझा दिया, जैसे जैसे कहा ऐसे ऐसे करना। अब बाहर जूती उतार दी द्रौपदी ने, कहीं आवाज आए कोई देख न ले। द्रौपदी भीतर गई, भगवान बाहर खड़े, कमलिया ओढ़े। सोचे कहीं स्त्री की जूती देख के कोई ये न समझे कि युद्ध के मैदान में औरत का क्या काम, तो कोई देख ले पकड़े न जाए कहीं। तो भगवान ने द्रौपदी की जूती उठा ली, अपनी पीताम्बरी में लपेट करके छिपा ली। भीतर द्रौपदी चली गई। भीष्म पितामह अभी उठे उठे थे, 3 बजे उठा करते भीष्म पितामह, और सैया पे बैठे थे और भगवान का स्मरण कर रहे थे हाथ जोड़कर। उसी समय द्रौपदी आई और बाबा को प्रणाम किया। अब अंधेरा था, उस समय दीपक जुड़ा नहीं था। भीष्म पितामह को ये लगा कि कोई सुहागन स्त्री है, क्योंकि चूड़ी बजी, पायल बजी, तो ये तो हो गया कि सुहागन स्त्री, तो कौन है ये नहीं पता। तो जैसे प्रणाम किए, भीष्म पितामह ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, तुम्हारा सुहाग बना रहे। तब पूछा कौन, तब द्रौपदी ने कही मैं पांडवों की कुलवधू द्रौपदी हूं। अरे तू यहां कैसे आ गई, बोले बड़ों को प्रणाम नहीं करना चाहिए, बोले करना चाहिए, पर 3 बजे प्रणाम करने की अकल तुझे तो आ नहीं सकती। अब तू ये बता कि तू तो यहां है, तेरा भैया कहाँ है। द्रौपदी जी ने कहा वो तो नहीं, बोले पढ़ा मत मुझे, बता कहाँ है, बोले वे तो बाहर हैं, बोले उन्हें क्यों बाहर छोड़े आई, उनको भी ले। तब भगवान को भीतर लेके आई, भगवान की पीताम्बरी में जूती बंधी। भगवान ने जैसे जूती को खोल के रखा, भीष्म पितामह रो पड़े और भगवान को कहा इतना प्रेम करते हो भक्तों से अपने, जूता चप्पल उठाने में भी संकोच नहीं तुमको। द्रौपदी ने कहा बाबा आपने मुझे अखंड सौभाग्यवती का वर दे दिया, और कल ये भी प्रण ले चुके हो कि एक पांडव को मारूंगा, एक भी नहीं रहा तो मेरा सौभाग्य तो अखंड नहीं रहेगा। भीष्म पितामह ने कहा बेटी एक नहीं करोड़ों भीष्म आ जाए तो तेरे सुहाग का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुमने ऐसे का पल्ला पकड़ा है जिसकी रज की डोर श्री कृष्ण ने पकड़ी है, उसको डिगने नहीं देंगे, कुछ नहीं होगा। आज भीष्म पितामह इन सब बातों को याद कर रहे हैं। बंधुओं जो जीवन में भजन किया होता है वो अंतिम समय काम आता है। जैसे जीवन में व्यक्ति ने जो धन कमाया होता है, आदमी सोचता है बुढ़ापे में जब हाथ पांव नहीं चलेंगे तो बैठ के खाऊंगा, ऐसे ही युवा अवस्था में इंद्रियों के चलते जो भजन किया होता है वो मृत्यु के समय काम आता है। वो चिंतन, हम चिंतन क्या करेंगे, वो चिंतन प्राप्त होगा हमको अंतिम समय। भीष्म पितामह आज इन सब बातों को सोच रहे हैं। भगवान ने कही बाबा अपनी अपनी तो सुना दी, हमारी हमारी सुना दी, और अपनी कारीगरी की सबरी बात भूल गए कैसे। बोले वो तो फिर सवेरे की लीला, फिर क्या हुआ, बोले फिर जब दिन में युद्ध हुआ, अब भीष्म पितामह तो आंधी तूफान की तरह बरसे,
अर्जुन के ऊपर। भगवान रथ की डोरी लिए, अप्रण तो उनको याद, ऐसा लड़े बेचारा अर्जुन तो गांडीव न उठा पाया और उसका सारे शस्त्र तोड़ दिए। इतना कितने तीर तो भगवान के पास से ही निकले, अर्जुन का कवच छिन्न भिन्न हो गया। अंततः तो भागवत जी में तो भगवान एक बार उठे हैं, महाभारत में लिखा है कि दो बार उठे भगवान। एक बार जब बड़े अधाधुंध तीर छोड़े, भगवान हाथ में लगाम और एक हाथ में चाबुक लेके खड़े हो गए। ठहर ठहर ठहर, आता ताई अभी आया। जैसे भगवान खड़े होने लगे, अर्जुन ने कहा बैठो 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 बैठो, प्रभु आपका प्रण है, शस्त्र नहीं उठाओगे, अभी तो मैं जीवित हूं, अभी तो लड़ूंगा इनसे। भीष्म पितामह ने देखा बैठ गए, सोचे अभी हमारी कलाकारी में कमी रह गई, उकसाया तो इनको, पर ये फिर बैठ गए। अब के फिर दुगने उत्साह से लड़े और अब तो ऐसा लड़े कि अर्जुन का रज ही तोड़ दिया। और जैसे पहिया तोड़ा, अर्जुन गिरे नीचे, ओ भगवान को लगा कि तो मार डालेंगे अर्जुन को। उसी समय भगवान ने रथ का पहिया उठा लिया, शस्त्र को मना किया था ना, तो पहिया उठा लिया। अब पहिया लेकर के भागे, मार डालूंगा। और जैसे पहिया लेके भागे, उसी समय पहले तो भीष्माग बबूला हो रहे थे, देखे भगवान पहिया लेके मारने दौड़े, उसी समय मुकुट उतार दिया, कवच उतार दिया, धनुष बाण रख दिए और पृथ्वी के ऊपर घुटनों के बल वज्रासन से बैठ गए। और आते भगवान को देख के क्या कहने लगे कि आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, गोपी जन प्राण धन राधा उर चंदना। आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, गोपी जन प्राण धन राधा उर चंदना। आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, गोपी जन प्राण धन राधा उर चंदना। आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, जन प्राण धन राधा उर चंदना, गोपी जन प्राण धन राधा उर चंदना, गोपी जन प्राण धन राधा उर चंदना, गोपी जन प्राण धन राधा उर चंदना। आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, गोपी जन प्राण धन राधा उर चंदना। आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, गोपी जन प्राण धन राधा उर चंदना। आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, गोपी जन प्राण धन राधा उर चंदना। अरे भीष्म पितामह तो भुजा उठा के कीर्तन करने लगे, भगवान ने कहा ये क्या हुआ। भगवान चक्र चक्र कह के चक्र को भेज रहे थे, लेकिन चक्र आगे को न चले। तब भगवान अपने मुख पर पीतांबर देके हंसने लगे कि हे भगवान, हमारे तो शस्त्र भी ऐसे, हम कहें कि किसी वैष्णव को मारो तो शस्त्र ही आगे नहीं पड़ेंगे, चक्र सुदर्शन ही आगे को न चलें। और उस समय फिर भगवान रुक गए, भीष्म पितामह ने आके ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया। इन सब लीलाओं को भीष्म याद कर रहे हैं। वापट पीत की पहरा, मानो सिंह सैलते उतर्यो, महामत गज जान। स्मरण कर रहे हैं, स्मरण करते 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 खूब रो रहे हैं। मुझे आपसे एक और वर मांगना है प्रभु। भगवान ने कहा मांगो। बोले एक वर चाहिए, विजय सखे रतिरस्तु मेन वद्या। विजय के सखा में अर्जुन के 12 नाम हैं, उनमें एक नाम विजय भी है उनका। विजय माने जिसकी कभी पराजय न हुई हो। विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या, विजय के सखा में
सबकी इष्ट झांकी होती है ना, तो भीष्म पितामह की इष्ट झांकी है जिन ठाकुर ने अर्जुन के रथ की डोरी पकड़ी है, ये झांकी उनकी इष्ट झांकी है। भीष्म पितामह उसी झांकी का ध्यान कर रहे हैं, उसी के चरणों की रति मांग रहे हैं। और अंततः तो श्री सूत जी कहते हैं, भीष्म पितामह ने अपनी इंद्रियों को एकाग्र किया है। स एव मनो भगवती, जैसे एक कछुआ जब जल में जाता है तो अपनी सब शरीर के अंगों को भीतर छिपा लेता है, जब जरूरत होती है तो बाहर निकालता है, और जब उसको लगता है कि कोई संकट है तो अपनी गर्दन को हाथ पांव सबको भीतर छिपा लेता है, पता नहीं लगेगा कि कोई पत्थर रखा है कि कोई कछुआ है। ऐसे भीष्म पितामह ने जैसे कुर्म अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे जहां जहां उनकी चित्त वृत्ति थी सबको अपने में समेट लिया। सब कर ममता ताग बटोरी, और मम पद मन ही बांध बर डोरी। अपने ममता की डोरियों को गोविंद के चरणों में बांधा है और अंत में स्तुति करने लगे हैं। ठाकुर जी सामने हैं, भीष्म गा रहे हैं, हम भी उनके पीछे पीछे गाएं। ओहो, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा, जब प्राण तन से निकले। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का तल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। माधव चरण का जल हो, माधव चरण का जल हो। जब प्राण तन से निकले, माधव
प्राण तन से निकले पीतांबरी कसी हो होठों पे कुछ हंसी हो ये ही मन बसी हो सभी ये ही मन बसी हो जब प्राण तन से निकले सभी ये ही मन बसी हो जब प्राण तन से निकले सिर सोहना मुकुट हो माथे पे काली लट हो सिर सोहना मुकुट हो माथे पे काली लट हो यही ध्यान मेरे घट हो यही ध्यान मेरे घट हो जब प्राण तन से निकले यही ध्यान मेरे घट हो जब प्राण तन से निकले आँखों का जल चढ़ाऊं हरि के चरण धुलाऊं आँखों का जल चढ़ाऊं हरि के चरण धुलाऊं जीवन सुफल बनाऊं जीवन सुफल बना जब प्राण तन से निकले जीवन सुफल बनाऊं जब प्राण तन से निकले जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे जब कंठ यम दर्श ना दिखावे यम दर्श ना दिखावे जब प्राण तन से निकले यम दर्श ना दिखावे जब प्राण तन से निकले सुध मुझको ना हो तन की तैयारी हो गमन की सुध मुझको ना हो तन की तैयारी हो गमन की ध्वनि हो कीर्तन की ध्वनि हो कीर्तन की जब प्राण तन से निकले ध्वनि हो कीर्तन की जब प्राण तन से निकले उस समय जल्दी आना कहीं देर ना लगाना साथ लाना श्री को साथ लाना बंशी मधुर बजाना बंशी मधुर बजाना जब प्राण तन से निकले बंशी मधुर बजाना जब प्राण तन
मेरा प्राण निकल सुख से, तेरा नाम निकल मुख से, मेरा प्राण निकल सुख से, तेरा नाम निकल मुख से, मेरा प्राण निकल सुख से, तेरा नाम निकल मुख से, मेरा प्राण निकल सुख से, तेरा नाम निकल मुख से, बच जाऊं घोर दुख से, बच जाऊं घोर दुख से, जब प्राण तन से निकले, बच जाऊं घोर दुख से, जब प्राण तन से निकले, ये दास की है अर्जी, खुद गरज की है गरजी, ये दास की है अर्जी, खुद गरज की है गरजी, आगे तुम्हारी मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, राधा नाम लेकर, प्राण तन से निकले, मेरा प्राण तन से निकले, ओ मेरा प्राण तन से निकले, मेरा प्राण तन से निकले, राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे, जय राधे गोविंद राधे, जय राधे गोविंद राधे, 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 जय राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे, जय राधे गोविंद राधे, जय राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे, जय राधे गोविंद राधे, जय राधे गोविंद राधे, जय राधे गोविंद राधे, जय राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे।
संसार से विदा लूं, तेरा नाम जपते जपते संसार से विदा ध्यान करते करते हरि तेरा ध्यान करते करते हरि तेरा नाम जपते जपते हरि तेरा नाम जपते जपते गाते रहे विष्णु पितामह गाते रहे श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा और कम में को उन्होंने अपने प्राणों को ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाया किसी को पता नहीं पड़ा उनकी स्तुति सुनते सुनते सम्मग्न हो गए और जैसे ही अपने प्राणों को छोड़ा विष्णु पितामह ने देवताओं ने आकाश में शंख बजाने शुरू कर दिए फूल बरसाने शुरू कर दिए श्री भीष्म पितामह महाराज की जय हो भक्तवत्सल भगवान जय हो द्वारिकाधीश की जय हो भीष्म पितामह ने अपने शरीर को त्यागा युधिष्ठिर जी ने अपने दादा का अंतिम संस्कार किया और फिर सब समाधान करके भगवान द्वारिका जी आए बीच में अश्वमेध यज्ञ किया उस समय भी भगवान आए कुछ समय पश्चात उत्तरा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ वो पुत्र बहुत अद्भुत था जन्म लेते ही रोया नहीं और चारों ओर आँख खोल के देखता था सबको देखता था किसको देख रहा था सूत जी कहते हैं जिसको माँ के गर्भ में देखा था उसको ढूंढ रहा था कि वो कहाँ है तब युधिष्ठिर जी ने उसका नाम रख दिया स ऐश लोके विख्यात परीक्षित इति यत प्रभु गर्भे दृष्टुम नुध्यायन परीक्षेत नरेश विह जो हर जीव में भगवान का परीक्षण करे ऐसे इस बालक का नाम रखा परीक्षित कहिए श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो धीरे धीरे परीक्षित जी बड़े हुए इधर द्वारिका जी में भगवान ने अपनी लीला को पूरा कर दिया अर्जुन खाली हाथ लौटे हस्तिनापुर में अपशकुन होने लगे और उस समय जैसे अर्जुन के हाथ समाचार मिला कि भगवान अंतर्धान हो गए हैं उसी समय कुंती बुआ ने शरीर छोड़ दिया और पांडवों ने भी निश्चय कर लिया यदि भगवान गोलोक को प्रस्थान कर गए हैं तो अब हम भी इस धरा पर नहीं रहेंगे द्रौपदी भी चलने को राजी हो गईं और उस समय केवल 14 वर्ष की अवस्था में परीक्षित जी को राजा बना दिया और द्रौपदी के साथ में स्वयं पांडवों ने स्वर्गारोहण किया सदगति प्राप्त करी परीक्षित जी राजा हुए परीक्षित जी का इरावत नामक स्त्री से विवाह हुआ जन्मेजय आदि 4 पुत्रों का जन्म हुआ परीक्षित जी बहुत धर्मात्मा राजा थे अपनी प्रजा का पालन करते थे उन्होंने अनेक बार अश्वमेध यज्ञ किए क्यों किए इसलिए कि अश्वमेध यज्ञ होगा तो साधु लोग आएंगे सत्संग होगा और मेरी प्रजा को भगवान की कथा सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त होगा अश्वमेध यज्ञ करते और वेश बदल के अपनी प्रजा का दुख जानने के लिए भी जाते थे एक बार वेश बदल कर परीक्षित जी घूम रहे थे तब उन्होंने एकांत स्थान पर क्या देखा कि एक गाय जो बड़ी दुबली पतली और एक नादिया जिनके 3 पैर कटे हैं 1 पैर पर खड़े हैं आपस में बात कर रहे हैं गैया उस नंदी को कह रही हैं कि
आपके दुख का कारण क्या है, क्या तकलीफ है, ये आपके पैर किसने काट दिए। बंधु ये गैया साक्षात पृथ्वी है और ये नंदी साक्षात धर्म है। पृथ्वी पूछ रही है धर्म से, ये दुख कैसे मिला, आपके पैर किसने काट दिए। धर्म कह रहे हैं, अरे किसी को दोष देना अच्छी बात नहीं। शास्त्र कहता है जिसको जो दुख मिलता अपने कर्म के कारण मिलता है। हम कहते फला व्यक्ति ने हमको दुख दिया, वास्तव में दुख नहीं दिया, जो हमारे हिस्से का दुख था उस व्यक्ति ने वो लाके हमें दे दिया। जैसे हम सब्जी मंडी में गए, हमने फल लिए 5 किलो और सब्जी वाले को कह दिया घर पहुंचा देना। अब उस सब्जी वाले ने किसी व्यक्ति को भेज के हमारे घर पर फल भिजवा दिए। अब हम जैसे फलों का सौदा करके आए थे वैसे हमारे आए। यदि दागदार फल लिए थे, पुराने फल लिए थे तो वैसे आएंगे, बढ़िया फल का सौदा करके आए थे तो वो आएंगे। हम उस लाने वाले से झगड़ा करने लग जाएं तो उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो केवल हमारे उन खरीदे हुए फलों को लेकर आया है। ऐसे ही संसार में जिनको हमसे पीड़ा मिल रही है, हमको पीड़ा मिल रही है, वे लोग हमारे भाग्य के दुख को हम तक पहुंचा रहे हैं। पर ये पक्की बात है कि बिना किसी कर्म फल के व्यक्ति को सुख और दुख प्राप्त नहीं होता। लेकिन जिससे हमको दुख प्राप्त हो रहा है, हम उसके प्रति द्वेष करके एक नया कर्म खड़ा कर लेते हैं, एक नया बंधन कर लेते हैं। तो करना क्या है, निरासक्त भाव से इस संसार के दुख और सुख का उपभोग करें। देखिए, मैं दुखी हूं ये दुख का कारण है। हम ये न कहें अहम दुखी, हम कहें इदम दुखम, ये दुख है। इसमें अंतर क्या है, हमने कहा ये दुख है तो हमने दुख को अलग कर लिया, अपने को अलग कर लिया, और हमने कहा मैं दुखी हूं तो ये कह के हमने अपने आप को दुख में लिप्त कर लिया। ये कहें कि ये दुख है, ये तकलीफ है, मैं तकलीफ में नहीं हूं, मैं तो बहुत सुखी हूं। पर भजन बने, नाम स्मरण बने, अपने अपने भाग्य का सुख दुख न चाहते हुए भी समय समय पर आता रहेगा। बंधुओं, हमारे शास्त्र तो कहते हैं कहानी लिखी जा चुकी है, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये 6 चीज परमात्मा के विधि के हाथ में है। लाभ हानि जीवन मरण यश और अपयश, हम आप जैसे कर्म करे आए हैं उसके परिणाम के स्वरूप हमको 6 चीज मिलेंगी। इसको न हम बढ़ा सकते हैं न हम घटा सकते हैं। धन कमाने में भी हमारा प्रयास केवल सहायक है, बाकी मिलेगा भाग्य के अनुसार, भाग्य से अधिक नहीं मिल पाएगा, हमारा परिश्रम सहायक होगा बस। तो करना क्या है, देखिए जो चीज भाग्य के अनुसार मिलेगी हम केवल उन्हीं को जुटाने में सारा जीवन खर्च कर देते हैं। संसार की वस्तु भाग्य के अनुसार मिलेंगी, उसमें हम परतंत्र हैं, स्वतंत्र कहां हैं, हम भजन करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन उस भजन को भक्ति को हम भाग्य के सहारे छोड़ देते हैं, जब होगा तब देख लेंगे, और सारा दोष भगवान को दे देते हैं कि भगवान की कृपा ही नहीं है। अभी भगवान की कृपा होती तो हम भी कर लेते, माने जितना दोष भगवान का ही, हमारा कोई दोष नहीं। इस चीज को हम भाग्य के सहारे छोड़ते हैं, पर हमारे शास्त्र कहते हैं प्रयास करें निरंतर निरंतर भजन के लिए, सत्संग के लिए, साधना के लिए प्रयास करें। ये बात नंदी कह रहे हैं गो माता को। फिर नंदी ने भी गो माता से पूछा, तुम इतनी दुबली पतली क्यों हो गई, तुम्हें क्या दुख है, क्या इसलिए कि अब दुष्ट लोग बढ़ गए, क्या इसलिए पृथ्वी पर यज्ञ नहीं होते, या इसलिए कि तुम्हें छोड़कर भगवान नित्य लोक को चले गए। पृथ्वी ने कहा हां मैं इसीलिए दुखी हो रही हूं कि द्वापर युग अब खत्म हो गया, अब कलयुग आ गया,
कलयुग का नाम लिया, इतनी देर में तो एक काले रंग का बड़ा डरावना पुरुष हाथ के भीतर एक दंड था, आके खड़ा हो गया और गैया को मारने लग गया। वो उस नंदी के उस तीसरे पैर को भी तोड़ देना चाहता था। ये गैया नादिया रोने लग गए, मलमूत्र बहने लग गए, और जैसे परीक्षित ने देखा मेरे राज्य में ये कौन गाय को दुख दे रहा है, उसी समय धनुष चढ़ा, तीर चढ़ा लिया मारने को उस काले पुरुष को, हुए सावधान। उसी समय वो काले रंग का पुरुष परीक्षित जी के चरणों में आके गिर गया, क्षमा क्षमा क्षमा, तू कौन है? उसने कहा मेरा नाम कलयुग है, क्या कर रहा है? बोले मेरा काम यही है, मेरे युग में गैया को दुख मिलता, नादिया को दुख मिलता, भक्तों को दुख मिलता, संतों को दुख मिलता है, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझको। तब इस कलयुग ने कहा महाराज मुझे मत मारो, अभी आप मेरे बुराइयों के बारे में जानते हो, अच्छाइयों के बारे में नहीं जानते। तेरे में कोई अच्छाई भी है? बोले बहुत बड़ी बड़ी अच्छाई है, दुर्गुण तो आपने देख लिए, अच्छाई मेरी सबसे बड़ी है कि मेरे युग में साधन थोड़ा करना पड़ता है, फल बहुत अधिक मिलता है, ये मेरे युग की बड़ाई है। क्या बड़ाई है? कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। सतयुग में जो गति ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में परिचर्या करने से, मेरे युग में केवल हरि नाम संकीर्तन करने से जीव का उद्धार होता है। नाम जपें और नाम कीर्तन करें बंधुओं, ये दो काम पार करेंगे। नाम जपिए, नाम जपिए, नाम जपिए, नाम कीर्तन और नाम जप। और क्या गुण है? एक और गुण है, मेरे युग में मन से किए गए पाप का फल नहीं मिलता, मन से किए गए पुण्य का फल मिलता है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। मन से पाप किया, शरीर से नहीं किया, वहीं की वहीं अपने को रोक लिया तो फल नहीं मिलेगा। और मन से सत्कर्म किया, शुकताल में कथा हो रही है, मानो नहीं आ पाए, कोई नहीं आ पाए, बहुत इच्छा थी, वहीं से भावना करे, मैं शुकताल गया, गंगा जी स्नान किया, वटवृक्ष की परिक्रमा करी, हनुमान जी को प्रणाम किया, सुखदेव जी को प्रणाम किया, परिक्रमा पूरे सुख तीर्थ की, और अब बैठकर प्रेम पूर्वक कथा सुन रहा हूं। और अब इस युग में तो साधन बहुत, YouTube चैनल लगा ले मोबाइल पे, बैठ जाए और नेत्र बंद करके माला करके बैठ जाए, सोलो आने जाने की जरूरत नहीं, अपने घर पर बैठकर स्मरण यदि किया थोड़ी देर भी, तो आप सुखताल आ गए, गंगा स्नान हो गया, बट की परिक्रमा हो गई, ये प्रभु मान लेंगे। ये इस कलयुग में ही संभव है, ये छूट और युगों में नहीं थी। और क्या गुण है? मेरा एक तीसरा बहुत बड़ा गुण है, क्या? मेरे युग में भगवान पूर्णावतार ग्रहण करते हैं। कब? कल की रूप में तो युगावतार लेते हैं, पूर्णावतार कब होता है? बोले मेरे युग में, मेरे युग की प्रथम संध्या में स्वयं श्री कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में नवद्वीप धाम में गंगा तट पर अवतार लेते हैं, और इस सारे जगत को कृष्ण नाम सुना करके कृष्ण भक्ति की गंगा में बहा देते। मेरे युग में चैतन्य महाप्रभु का अवतार होता है, तो मुझे मत मारो। सुन के बड़े प्रसन्न हुए परीक्षित जी, पर तेरे में बुराई भी बहुत, मारूंगा नहीं पर संयमी तो करूंगा तुझे। बोले हाँ ठीक है। तब आप जानते हो पांच चार जगह पहले रहने को दी, द्युतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्मस चतुर्विध, चार जगह रहो जहां दारू पी जाती हो, मदिरालय हो, जहां हिंसा की जाती हो, मांस खाया जाता वहां रहो, जहां जुआ खेला जाता हो, पाप का पैसा आता हो वहां रहो, और जहां पर स्त्री गमन होता हो वहां रहो। देखिए श्लोक का अर्थ क्या है,
इन चार जगह कलयुग है और ये इसका अर्थ ये हुआ जो कलयुग में इन चार कामों से बचा है वो कलयुग में रहते हुए भी कलयुग में नहीं रह रहा, वो सतयुग में रह रहा, जो इन चार कामों से बचा है, दारू से बचा है, दारू पीने वालों का संग करने से बचा है, मांस खाने से बचा है और मांस खाने वालों का संग करने से बचा है, जुआ से बचा है और जुआरियों के संग से बचा है, पर स्त्री गमन से बचा है और पर स्त्री गमन करने वालों के संग से बचा है। यदि इन चार चीज से बचा है तो वो कलयुग में नहीं रहेगा। कलयुग ने कहा चार जगह छोड़ी हैं, इन तक पहुंचने का रास्ता तो बता दो। तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु ततो नितम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। तब पांचवी वस्तु दी जात रूप। जात रूप माने सोना, सोने में रहो, पर कौन से सोने में? द्वारिका के सोने में नहीं, लंका के सोने में। द्वारिका भी सोने की है, लंका भी सोने की है। जो पाप का धन है, जो पाप की कमाई है, उसमें कलयुग रहता है। वचन दे दिया, चले गए कलयुग, उन गैया को भी स्वस्थ कर दिया। परीक्षित जी लौट आए, एक दिन वन विहार को गए। देखिए संसार में कथा कही जाती है कि परीक्षित जी ने मुकुट पहन लिया सोने का, अब जरासंध का मुकुट था तो कलयुग आ गया। ये कथा भागवत जी में लिखी नहीं है, इसलिए हम भी बोलते नहीं है इसको। ये कथा कहाँ से पैदा हुई भगवान जाने। हमने तो अनेक पुराण देखे, गुरु कृपा से सबरे ही पुराण पढ़े, पर हमको कहीं कथा नहीं मिली है। किसने कथा बनाई पता नहीं। और इस कथा को कहने में एक आपत्ति भी है। वो आपत्ति क्या है कि परीक्षित जी तो भगवत प्राप्त महापुरुष है, मुकुट पहन ले तो उनके सिर पे कलयुग चढ़ गया। ये कहना भी गलत है, किसी संत के माथे पे कैसे कलयुग चढ़ जाएगा। तो ये सब जो लीला हुई है केवल भगवत इच्छा से हुई। संसार में भागवत जी प्रकट हो, जीवों का कल्याण हो, इसलिए लीला हुई। तो परीक्षित जी वन विहार को गए, भटक गए, सेना दूर रह गई, प्यास लगी थी, समीक ऋषि के आश्रम पर गए। यह मंदिर में आप दर्शन करते हैं ना, तो परीक्षित जी, सुखदेव जी, समीक ऋषि, श्रृंगी जी, वशिष्ठ जी, पाराशर जी, सबका दर्शन होता है मंदिर। तो समीक ऋषि इधर बैठे हैं परीक्षित जी के। ये समीक ऋषि के आश्रम में गए, प्यास लगी, जल मांगा, दिया नहीं, समाधि में थे। तब एक मरा सांप गले में पहना दिया, चले आए। पीछे उनके पुत्र श्रृंगी को पता चला, जो कौशिकी नदी में नहा रहे थे। जैसे पता चला, आप देखा न ताव, श्राव दे दिया, श्राव दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनी दंशयति स्म कुलंगारम चोदितो में तद्रुहम। इति लंघित मर्यादा, जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है मैं श्राप देता हूं उस राजा की 7 दिन पश्चात मृत्यु हो जाए। तक्षक नाक के कांटे से श्राप दे दिया। पीछे रोते पिता के पास आए, तब पिता की समाधि भंग हुई और जैसे पता चला मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया। परीक्षित जी को बहुत डांटा अपने पुत्र को, अरे ये तूने क्या कर दिया, परीक्षित तो बहुत धर्मात्मा राजा, अब जाने किस पापी का राज आएगा, वो प्रजा को कितना कष्ट देगा, ये तूने क्या किया। लेकिन बाण तो छूट चुका था धनुष से। तब अपने सेवकों को भेजा, जाओ परीक्षित जी को बता करके तो आओ। और बंधुओं उसी समय सेवक लोग चले। परीक्षित जी घर पे आए पर मन बहुत परेशान, मेरा संत के प्रति कैसे अपराध हो गया, महापुरुषों के चरणों में मेरा कैसे अपराध हो गया। घर पर आकर बैठे थे कि पीछे पीछे सेवक लोग आ गए, ऋषि लोग आ गए, हमें मिलना है, परीक्षित जी से मिलने आए। क्या बात है, सब बात खोल के बता दी। अरे परीक्षित जी, आपने महात्मा के गले में सर्प डाल दिया, उनके पुत्र ने 7 दिन में मृत्यु हो जाने का श्राप दे दिया। बंधुओं आप भागवत जी देखो, इस श्राप को सुनकर परीक्षित रोए नहीं, दुख नहीं पाया, अपितु आनंद किया।
अरे ठीक हुआ, साथ ही साथ पाप का दंड मिल गया। बाद में मिलता तो ब्याज जुड़ के मिलता, साथ ही साथ मिल गया। और उसी समय परीक्षित जी ने राज वेश का त्याग कर दिया बंधुओं, अपने पुत्र जनमेजय को राजा बना दिया। और उसी समय हस्तिनापुर कहां है? मेरठ के पास, मेरठ के पास हस्तिनापुर है आज भी। वहीं से चल पड़े और कहां को आए बंधुओं? जहां आप बैठे हो यहीं पर आए। पैदल चल पड़े घर से, पति चल पड़ा, पत्नियां रोने लगी, बच्चे रोने लगे, पर परीक्षित जी ने सबको मना कर दिया। परीक्षित जी कहने लगे, श्री कृष्ण कथा रस पीने को, 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 हम राज पाट सब छोड़ चले, हम राज पाट सब छोड़ चले, हम राज पाट सब छोड़ चले, सब छोड़ चले, घर वालों अब मुझे रोको ना, घर वालों अब मुझे रोको ना, श्री कृष्ण भजन में टोको ना, श्री कृष्ण भजन में टोको ना, हम दर्द छिपाए राज पाट को छोड़ चले, सब राज पाट को छोड़ चले, श्री कृष्ण कथा रस पीने को, श्री कृष्ण कथा रस पीने को, रानियों ना तुम हरगिज रोना, रानियों ना तुम सबको समझा रहे हो, जनमेजय मत धीरज खोना, जनमेजय मत धीरज खोना, अपनी मस्ती में जीने को, अपनी मस्ती में जीने को, हम राज पाट सब छोड़ चले, राज पाट सब छोड़ चले, श्री कृष्ण कथा रस पीने को, श्री कृष्ण कथा रस पीने को, हम राज पाट सब छोड़ चले, राज पाट सब छोड़ चले। बंधुओं परीक्षित जी चल पड़े थे पैदल, मेरठ जिसको अब कहते हैं, इसी का नाम कभी हस्तिनापुर था, यहां से चल पड़े थे। और चलते 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 मेरठ से मुजफ्फरनगर की ओर आए, और मुजफ्फरनगर का प्राचीन नाम लक्ष्मी नगर था, और वहां से फिर गंगा जी की ओर मुड़ गए। और चलते 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 बंधुओं इस स्थान के भाग खुलने थे, इसी वट वृक्ष के पास आके बैठ गए, जिनकी आप परिक्रमा करते हो। और अभी तो गंगा जी शायद 300 मीटर दूर होंगी, 300-400 मीटर, पर ग्रंथ में लिखा है तब बिल्कुल वृक्ष से लग के गंगा जी बहती थी, बहुत विशाल गंगा जी, और लग के बहती थी यहां से। यहीं पे आके बैठ गए परीक्षित जी और गंगा जी का पूजन किया, और ये सोच के कि अब गंगा जी का तट हो तो कम से कम गंगा जी के तट पे तो आ जाऊं, अब जो होएगा सो देखा जाएगा। और गंगा जी की ओर मुख करके बैठ गए, और उस समय विचार करने लगे, मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर, कोई ऐसे संत मिल जाए जो मुझे भगवान की प्रेममयी कथा सुना के मेरे मन को गोविंद में जोड़ दें।
बंधुओं इसको सुनकर के भारत के कितने कितने महापुरुष, ये पूरा जो क्षेत्र है ये संतों की भूमि है, ये घर ये सब तो अभी बने हैं, मंदिर भी अभी बने हैं, यहां पर एक ही वस्तु थी वट वृक्ष और गंगा जी, ये दो वस्तु प्राचीन, बाकी तो फिर निर्माण हुआ, रहने की व्यवस्था बनी, कल हमने सुना था, पर यहां दो वस्तु प्राचीन, ये वृक्षराग, इनका कोई ठिकाना नहीं कि कितने साल पुराने हैं ये, और गंगा जी इन्हीं वट की आके पूजा करी, और हमने कहा ये वट वृक्ष साक्षात शिव है, शिव है, शिव ही इस वट के रूप में विराजमान है, बड़े मनोरथी वृक्ष है ये, परिक्रमा की बैठ गए आकर के, संतों को पता चला हम परीक्षित का उद्धार करेंगे, हम उद्धार करेंगे, कितने कितने महात्मा लोग आके बैठ गए, परीक्षित जी का सबसे एक ही प्रश्न है, सर्वात्मना म्रियमाणस्य कृत्यम्, जिसकी 7 दिन में मृत्यु हो जाने वाली हो उसको अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, कोई कहने लगे यज्ञ करो, कोई कहने लगे पाठ करो, कोई कहने लगे प्राणायाम करो, कोई कहने लगे स्वाध्याय करो, कोई कहने लगे ध्यान करो, अपनी अपनी समझ से सबने बताया, लेकिन परीक्षित जी को सांत्वना नहीं मिली। आप सोचिए कि स्वयं सुखदेव जी की 4 पीढ़ी बैठी थी पहले से, वेद व्यास जी भी आए हुए थे, वेद व्यास जी के पिता पाराशर जी भी आए हुए थे, और पाराशर जी के पिता शक्ति मुनि, उनका तो देहांत हो गया था, पाराशर जी के भी दादाजी वशिष्ठ जी, राम जी के भी गुरु, कुल गुरु, वे भी आए हुए थे, 4 पीढ़ी तो सुखदेव जी की बैठी थी, और तमाम एक से एक महात्मा, तो वेद व्यास जी कथा नहीं सुना सकते थे, उन्होंने तो लिखी है भागवत जी, वशिष्ठ जी सुना देते, पर सबको पता था सुखदेव जी आने वाले, तो कोई बोला नहीं, इसलिए कि हम बोलेंगे तो सुखदेव जी, सबको अंतर प्रेरणा थी कि सुखदेव जी आएंगे, क्यों, क्योंकि कथा तो वही है पर प्रेमी के मुख से सुनने पर उसमें अनंत सुख बढ़ जाता है, अनंत सुख बढ़ जाता है, कथा तो वही है, तो सब इस बार सुखदेव जी के मुख से कथा सुनेंगे तो कथा में बहुत सुख आएगा, तो कोई बोला नहीं। और परीक्षित जी ने इसी वटवृक्ष के नीचे सिंहासन लगाया हुआ था, और हम लोग भी इसी वटवृक्ष की छाया में बैठे, ये जो भवन है इसकी छत के ऊपर इन वृक्ष राज की सब डाल हैं, तो हम भी छाया में बैठे हैं वृक्ष, कोई सिंहासन पे नहीं बैठा। और कितनी बड़ी बात, बंधुओं सुखदेव जी को कोई बुलाने भी नहीं गया, हम लोग सुनते हैं इस तथ्य को बार बार, संसार में कहा जाता है कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता, पर इस मार्ग में तो अनोखी बात है, प्यास अगर सच्ची हो तो बंधुओं कुआं नहीं, नदी नहीं, सागर भी उठ के प्यासे के पास आते। अब आप बताइए कि परीक्षित जी सुखदेव जी के पास गए कि सुखदेव जी परीक्षित जी के पास, परीक्षित जी तो बैठ गए यहां गंगा जी के चरणों में, सुखदेव जी आ गए, शौनक जी सूत जी के पास गए थे कि सूत जी शौनक जी के पास आए थे, सूत जी ने भी सारण्य पहुंच गए अपने आप, ये भावना है। परीक्षित जी बैठे थे और मन ही मन विचार कर रहे थे क्या होगा, 7 दिन भी बीच में है, आज का दिन भी कितना बीत गया, कोई संत मिल जाए, कोई भगवान का प्रेमी मिल जाए, हमें कथा सुना के मेरा कल्याण कर दे, मुझे भगवान से मिलने का मार्ग बता दे। बंधुओं उसी समय अपनी धुन में गाते गुनगुनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज गाते हुए, कोई निमंत्रण देने नहीं गया, अपने आप गंगा तट पे घूमते 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 अपनी मस्ती में आने लगे, और मानो गुरु और शिष्य का संवाद हो रहा है, सुखदेव जी मानो गुनगुनाते आ रहे अपनी मस्ती में, क्या कृष्ण नाम की नैया लेके ओ, 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 आओ मेरी नैया में ले चलूं मैं भव से पार।
पार, आओ मेरी नैया में ले चलूं मैं भव से पार, जो मेरी इस नैया में चढ़ जाएगा, जो मेरी इस नैया में चढ़ जाएगा, जन्म जन्म का पाप ताप गल जाएगा, ओ जन्म जन्म का पाप ताप गल जाएगा, ओह कटे 84 का बंधन, ओ कटे 84 का बंधन और हो जाए उद्धार, आओ मेरी नैया में ले चलूं मैं भव से पार, कार को श्री परीक्षित जी सुन रहे हैं। परीक्षित जी अपनी ओर से कह रहे हैं, हे गुरुदेव मैं आपकी नौका में आऊं तो सही, लेकिन कैसे आऊं, पाप की गठरी शीश धरी कैसे आऊं, पाप की गठरी शीश धरी कैसे आऊं, अपने अवगुण देख देख के शर्माऊं, अवगुण देख देख के शर्माऊं, आह तेरी नैया साची गुरुवर, ओ तेरी नैया साची गुरुवर, मेरे पाप हजार, आओ मेरी नैया में ले चलूं मैं भव से पार, आओ मेरी नैया में ले चलूं मैं भव से पार, आओ मेरी नैया में ले चलूं मैं भव से पार, कैसे आऊं, मैंने बहुत जीवन में पाप किए हैं। सुखदेव जी कहते हैं घबराओ नहीं, मेरी नौका में आ जाओ, क्या करना होगा, बोले अपना जीवन सौंप दे मेरे हाथों में, अपना जीवन सौंप दे मेरे हाथों में, श्वास श्वास को जोड़ दे हर की यादों में, श्वास श्वास को जोड़ दे हर की यादों, आह बीच भंवर में डोले नैया, ओ बीच भंवर में डोले नैया, मिल गया खेवन हार, आओ मेरी नैया मैं ले चलूं मैं
मेरा महाराज परीक्षित जी भगवान को पुकार रहे थे, कैसे हो जो मुझे संत की प्राप्ति हो जाए। और उसी समय भागवत जी में लिखा है, कोई बुलाने नहीं गया श्री परीक्षित जी को, श्री सुखदेव भगवान को, और सुखदेव भगवान अपनी मस्ती में कीर्तन करते हुए श्री गंगा जी के तीर पर विहार करते हुए, तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानो नपेक्ष अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतस्य बालै अवधूत। उस समय तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, उसी समय भगवान वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी गंगा जी के तट पर प्रकट हो गए। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानो अलक्ष लिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतस्य बालै अवधूत। अलक्ष लिंगो, जिनके शरीर पर वर्णाश्रम धर्म का कोई चिन्ह नहीं, अपने आप में संतुष्ट बच्चे घेरे हैं, कोई कंकर फेंक रहा है, कोई धूल फेंक रहा है, उनको कोई खबर नहीं, अपने आप में संतुष्ट श्री सुखदेव जी वट वृक्ष के पास आए। और जैसे ही आए, जितने महात्मा थे सब खड़े हो गए हाथ जोड़कर, और सब तो खड़े हुए, सुखदेव जी के पिताजी, दादाजी, परदादाजी, सब लोग खड़े हो। लोग कहने लगे, आप क्यों खड़े हो गए, आपके तो पुत्र हैं। बोले, पुत्र पीछे हैं, संत पहले, संत के लिए खड़े हुए हैं। सबने प्रणाम किया। अब वेद व्यास जी को मन हुआ, हम भी प्रणाम करें, तो सामने तो प्रणाम किया नहीं, जाके संकोच होगा। तो जिस समय सुखदेव जी आगे बढ़ गए, तो जहां चरण रखे थे सुखदेव जी के धूल में छपे थे, सबने उठा उठा के वहां की रज अपने माथे से लगाई, सिर से लगाई। और बंधुओं, सुखदेव जी ने किसी और नहीं देखा, सीधे इन्हीं वट वृक्ष के नीचे जो आसन रखा था, उसी आसन पर सीधे आकर बैठ गए। और जैसे परीक्षित जी ने दर्शन किया, हाथ जोड़ लिए, आंखों से झरझर अश्रुपात होने लगा। देखकर ऐसा लग रहा है गुरुदेव सुखदेव नहीं आए, मानो गोविंद आ गए मुझ पर कृपा करने के लिए। हाथ जोड़ प्रणाम किए और आते ही प्रश्न कर दिया, अतः प्रच्छामी संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरुदेव, जिसकी 7 दिन में मृत्यु हो जाने वाली हो, उसको अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, भी आके बैठे सांस तो लेने देता, जल तो पिलाया नहीं, तो आते ही प्रश्न क्यों। परीक्षित जी ने कहा, गुरुजी मैंने सुना है आप इतनी देर कहीं ठहरो जितनी देर गैया दही जाए, आपकी मस्ती, आप आके बैठ गए आपको फिर मस्ती आई, आप उठ के चल पड़े तो रोकेगा कौन आपको, तो मैंने आपको प्रश्न की डोरी में बांध लिया है। सुखदेव जी कहे, जाने को नहीं आए हैं, तेरे लिए ही आए हैं, अब यहीं रहेंगे, जब तक तुझको भगवत धाम की प्राप्ति नहीं हो जाती कहीं नहीं जाएंगे। तब श्री परीक्षित जी बहुत प्रसन्न हुए, और तब श्री परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी का पूजन किया। श्री परीक्षित जी सुखदेव जी का पूजन कर रहे हैं, संत लोग गा रहे हैं, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, माला तिलक मनोहर बानो, माला तिलक मनो माला
आए मेरे श्याम सुंदर के प्यारे, आए मेरे श्याम सुंदर के प्यारे, ना जाने को पुण्य उदय भये, ना जाने को पुण्य उदय भये, मेरे घर जो पधारे, आए हृदय कमल के बीच विराजत, हृदय कमल के बीच विराजत, हृदय कमल के बीच विराजत, हृदय कमल के श्री ब्रज राज दुलारे, आए मेरे श्री ब्रज राज दुलारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, परमानंद करत न्योछावर, परमानंद करत त्रिनवारे, बार बार त्रिनवारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, ओ आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, ओ आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे। आनंद हो गया महाराज। तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन किया, आसन प्रदान किया। तो यहाँ तक की कथा तो सूत जी ने शौनक जी को सुनाई, और यहाँ से आगे की कथा श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को सुनाएंगे। आज समय हो रहा है, यहीं कथा का विश्राम करेंगे, प्रेम से कहेंगे जय जय श्री राधे। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गोरदास जी महाराज जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गोरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहां विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी
वैष्णव साधुओं द्वारा अष्ट प्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपाधाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।